changes around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. Assalamualaikum everyone, welcome back to you to HOV Karma और वापस आ चुके हैं guys एक नए दिन के साथ और एक नई stream के साथ और आपको बताते चलें कि ESPLX Karma Community का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पर prize pool आप लोगों को 400 USD डॉलर देखने को मिल रहे हैं यानी कि US डॉलर देखने को मिल रहे हैं और जो कि आज जो है वो इन 12 टीम्स में से जो विन करेंगी उनमें भी यहां पर जो है आप लोगों को शेयर करता चलूंगा कि क्या क्या जो है प्राइस पूल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी. हमें किस किस ने ज्वाइन कर लिया वो यहाँ पर देख लेते हैं. नैने हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हबीब खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं. मोइस इन फेमस ई स्पोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर और हबीब खान जैरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इसी के साथ साथ आपको बताते चलेंगे गाइज यहाँ पर जो है हमारे साथ टीम ज्वाइन कर चुकी हैं और ऑलमोस्ट टीमों को भी पूरा हो चुकी हैं और साथ ही साथ में उनको स्टार्ट भी किया जाएगा. लेकिन आपको बताते चलें कि टीम्स आज हमारे साथ हॉट शॉट खेलती हुई नजर आने वाली है. हिस्ट्री मेकर्स हैं यहाँ पर, रॉयल फोर्स हैं, जिनोन ई स्पोर्ट है, स्लेयर्स हैं, टीम आरसी है और टीम कार्टून नेटवर्क यहाँ पर देखने को मिलेगी. इन फेमस ई स्पोर्ट की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर हमें प्लेइंग में देखने को मिलेगी आज के फाइनल में जो कि वीक टू का फाइनल है. और एचओबी नोटिस और अनटचेबल की बात करते हैं वो भी यहाँ पर जो प्लेइंग में देखने को मिल रही है. रॉयल गार्डियन है यहाँ पर हमारे साथ और 5 जेंटलमैन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. तो यहाँ पर ये 12 टीमें हमारे साथ रहने वाली हैं और देखेंगे गाइस यहाँ पर इनकी तरफ से परफॉर्मेंस क्या रहती है और क्या यहाँ पर जो है कौन सी टीम जो है वो इस प्राइस पूल को अपने नाम करती हुई दिखाई देगी. जो स्कोरिंग की बात करते हैं तो स्कोरिंग यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली टीम को 12 पॉइंट्स दिए जाएंगे, सेकंड पर 9 पॉइंट्स मिलते हुए दिखाई देंगे टीम को और थर्ड पोजीशन पर जो है वो 8 पॉइंट्स मिलेंगे, फोर्थ पर 7 पॉइंट्स और फिफ्थ पर 6 पॉइंट और सिक्स पर 5 पॉइंट्स और सेवन्थ पोजीशन पर 4 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे. एट पोजीशन की बात करेंगे तो 3 पॉइंट्स एंड नाइन्थ पोजीशन की बात करेंगे तो 2 पॉइंट्स एंड टेंथ पोजीशन पर 1 पॉइंट और अलेवंथ पोजीशन पर 0 और 12 पोजीशन पर भी 0 और अगर किल की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 किल मिलता हुआ दिखाई देगा. तो गाइस यहाँ पर जो है वो आप लोगों को स्कोरिंग भी दिखा दी है. अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइस पूल की तो प्राइस पूल यहाँ पर हमारे साथ आ चुका है जो कि HOV Karma यहाँ पर ESPLX HOV Karma यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है उनकी जानिब से ये कम्युनिटी कप. और उसके प्राइस पूल की बात करते हैं तो फर्स्ट प्राइस पूल वीक वन का जो रहा था वो 50 US डॉलर था और फर्स्ट जो है वो प्राइस वीक टू का जो रहेगा वो भी 50 जो है वो US डॉलर रहने वाले हैं जो कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो है वो 10,000 से प्लस चले जाते हैं और लेकिन 15,000 से ऊपर चले जाएंगे. लेकिन अगर बात करते हैं टॉप 3 फ्रॉम मेन इवेंट जो कि हमारा अभी स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर ग्रुप स्टेजेस देखने को मिलेंगे और उसके फाइनल को भी देखने को मिलेगा तो वो 300 US डॉलर देखने को मिलेंगे. तो बड़ा ज़बरदस्त सीन है यहाँ पर और बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर गाइस. तो देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो है वो टीम्स की तरफ से इस प्राइस पूल को अपने नाम किया जाता है जो कि 50 US डॉलर हमें देखने को मिलेंगे. तो अगर बात कर लेते हैं गाइज़ यहाँ पर टीम्स के हवाले से तो टीम्स को भी मैं दिखा चुका हूँ लेकिन अब मैप्स की बात कर लेते हैं. मैप्स यहाँ पर हमारे साथ आ चुके हैं जो कि 6 मैप्स रहने वाले हैं. बरमूदा मैप रहेगा, प्रोगेट्री मैप रहेगा, कलाहारी, अल्पाइन एंड बरमूदा और कलाहारी यहाँ पर देखने को मिलेगा. तो 6 गेम्स खेली जाएंगी और 6 गेम्स के अंदर ही डिसाइड होगा कि ये जो 50 जो है वो US डॉलर हैं वो किसके नाम जाने वाले हैं और कौन यहाँ पर इसका दावेदार होगा. रॉयल फोर्स की सपोर्ट आना तो शुरू हो चुकी है. क्या यहाँ पर रॉयल फोर्स आज इतना तगड़ा खेल के दिखाएगी कि ये 50 जो डॉलर है वो अपने नाम करने में कामयाब होगी. ES News PK भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम हो गया. यहाँ पर रॉयल फोर्स की सपोर्ट आना शुरू हो चुकी है, थैंक यू सो मच. और
ठीक है गाइस, ठीक है, जल्दी से शेयरिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम इस यू स्पोर्ट के साथ यहाँ पर इस मैच को स्टार्ट कर सकें। और उसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पर पहला मैच स्टार्ट हो चुका है जो कि बरमूडा मैप खेला जाने वाला है और इन 12 टीम्स के दरमियान खेला जाएगा। तो उसी तरफ चलते हैं और देखते हैं गाइस क्या सिचुएशन रहने वाली है और क्या सीन रहते हैं। गाइस मैप की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ टीम्स आ चुकी हैं और टीम्स की लैंडिंग स्टार्ट हो चुकी है। 11 टीम्स हमें पहले मैच में ज्वाइन होती हुई नजर आई हैं और अगर मिसिंग की बात करें कि कौन सी टीम हमारे साथ ज्वाइन होती हुई नजर नहीं आई तो वो हॉट शॉट रहने वाली है। क्या वो एक मैच खेले बगैर यहाँ पर 5 मैचों में इतने पॉइंट्स बना पाएंगे कि वहाँ वो हमें यहाँ पर जो है वो चैंपियन बनती हुई नजर आए आज के दिन में। तो पहला एडवांटेज तो इन सब टीम्स को रहने वाला है जो कि 11 टीम्स हमारे साथ मौजूद हैं, इन सब टीम्स को रहने वाला है कि उनके मुकाबले में हॉट शॉट नहीं है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल की टीम यहाँ पर आज प्ले करने वाली थी फाइनल में लेकिन वो फर्स्ट मैच में ज्वाइन नहीं कर पाई, तो इन टीमों को फायदा होने वाला है और इन टीमों में देखेंगे कि आ गया वो परफॉर्मेंस है कि वो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट मैच में, क्योंकि सेकंड मैच में उनके आने के चांसेस हैं। तो हॉट शॉट सेकंड मैच में आएगी तो भाई जाहिर सी बात है वो सब टीमों के लिए मुश्किलें पैदा करेगी लेकिन फर्स्ट मैच में इस चीज़ से वो बचते हुए दिखाई देंगे। तो पहली फाइट भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं गाइस यहाँ पर हमारे साथ जो है वो एच ओ पी न्यू एरा मौजूद है। ओके गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक प्लेयर का नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा लेकिन आर एफ की बात करते हैं, रॉयल फोर्स की बात करते हैं तो एक किल निकालने में कामयाब हुए हैं। लीडर है हमारे साथ यहाँ पर और लेट्स सी गाइस यहाँ पर लेट्स सी, एक प्लेयर स्कैरी को भी डाउन कर दिया गया है, यहाँ पर स्कैरी को मुकम्मल भी कर दिया जाएगा। आर एफ के अहमद हमें ऊपर वाली साइड पर देखने को मिल रहे हैं और देखते हैं गाइस यहाँ पर एक किल दिखाई दे रहा है इनकी जानिब से। और हाँ जी ओके गाइस यहाँ पर ये काफ़ी क्लोज फाइट हमें शुरू से ही देखने को मिल रही है तो यहाँ पर इसी की जानी पड़ते हैं रॉयल फोर्स। और गाइस यहाँ पर न्यू एरा ने बड़े जल्दी कमबैक किया है भाई, यहाँ पर न्यू एरा की बात करते हैं पहला नुकसान इन्हीं को उठाना पड़ा था लेकिन उसके बाद क्या ही कमबैक आता हुआ नजर आएगा ये ज़रूर देखने को मिला है। यहाँ पर न्यू एरा अभी जो है कि लीडरशिप में आ चुकी है और टॉप पर आ चुकी है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर कमबैक और अब आर एफ को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया गया है। रॉयल फोर्स की बहुत सपोर्ट आ रही है गाइस, रॉयल फोर्स की सपोर्ट तो आई है लेकिन रॉयल फोर्स उतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिखा पाए क्योंकि एक डाउन किया लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अपने दो बंदों का नुकसान उठा पाए हैं। और दूसरी जानिब से अगर बात करते हैं तो यूएन यानी कि हमारे साथ अनटचेबल शायद देखने को मिल रही है और वो दूसरी साइड से आ रही है तो आरएफ को इधर से भी नुकसान हो सकता है। लेकिन बाकी टीम्स की तरफ भी बढ़ते हैं तो दो प्लेयर्स यहाँ पर आरएफ के दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे एचएम की बात करते हैं, एचएम का स्क्वाड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा और गुरु ग्राफिक तो हाई करो जैसे सल्लू के फुल अल्ट्रा प्लस शेडोज आते हैं। यार वो मैं कर देता हूँ अगली गेम में, मैं कर देता हूँ लेकिन मुझे मसला नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ लेकिन मैंने कभी किए नहीं है। वो अल्ट्रा में आ जाते हैं ये थोड़ा जो होता है, बल्कि वो अल्ट्रा मैक्स में आ जाते हैं, अल्ट्रा मैक्स में आ जाते हैं, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ नेक्स्ट में, तो देख लेते हैं गाइस वो कैसे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रिजल्ट ठीक है यार, मैं खुद भी इसको वॉच कर रहा हूँ वहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, इतना कोई मतलब वो नहीं है कि आपको। लेकिन आप कहें कि सल्लू भाई से मुकाबले यार ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे तो नहीं होता ना। ओके बट कार्टून नेटवर्क की बात करते हैं, रांझा है, गुहान है, अलोन है और किंग यहाँ पर मौजूद है। पहला मैच है गाइस यहाँ पर स्टार्ट है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर जो है वो गेम प्ले इन टीमों की तरफ से देखने को मिल सकती है। और टीम नंबर 4 है हमारे साथ कार्टून नेटवर्क यहाँ पर, ज़बरदस्त गाइस यहाँ पर चारों प्लेयर्स काफ़ी जो है ना पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और देखें गाइस ये टीम मैंने काफ़ी पुराना नेम मैं कह सकता हूँ ये टीम का है और उसमें हमें किंग जो है वो दिखाई देते हैं, ऐसे पुराने प्लेयर जो कि मेरा ख्याल अभी तक टिके हुए हैं क्योंकि कार्टून नेटवर्क इन्हीं के नेम से बनी थी, इन्होंने बनाई थी और अभी तक ये मौजूद हैं और इनके साथ गुहान, अलोन और रांझा देखने को मिल रहे हैं। और अनटचेबल शायद यहाँ पर ये टीम है हमारे साथ नंबर 3 और खान हैं, एसआर हैं यहाँ पर और किलर हैं हमारे साथ और सैफ यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। और अगर बात करते हैं यहाँ पर टीम नंबर 12 इन्होंने लिखा हुआ है अपने नाम के साथ तो इनका पता नहीं क्या, 5 जेंटलमैन है यहाँ पर, एग्जैक्टली 5 जेंटलमैन है।
हाँ एग्जैक्टली गाइस, 5G जो है हमारे साथ, 5 जेंटलमैन हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है तौसीफ, साथ मौजूद है हमारे साथ और होप यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। TRG की बात करते हैं तो गाइस TRG हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, TRG पैंथर और नोवा पैंथर एंड जो है वो सबू भाई, सबू भी चलें यहाँ पर, ये इनका नाम है और ये हमें दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स सी कि इनकी तरफ से क्या परफॉर्मेंस रहती है। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है वो जिनॉन ई स्पोर्ट की बात करते हैं, तो जिनॉन ई स्पोर्ट के यहाँ पर ब्राज़ील, ओरियो, क्रिमिनल एंड उमेर हमें दिखाई दे रहे हैं और उनकी फाइट यहाँ पर हमें कार्टून नेटवर्क के साथ देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल कार्टून नेटवर्क आ चुकी है और कार्टून नेटवर्क वर्सेस गाइज यहाँ पर जिनॉन ई स्पोर्ट, ये फाइट काफ़ी मजे की रहने वाली है क्योंकि एक प्लेयर अभी रिवाइव होकर आ रहे हैं और तीन प्लेयर्स को मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं जिनमें क्रिमिनल, ओरियो एंड गाइज यहाँ पर उमेर दिखाई दे रहे हैं। तो टीम कार्टून नेटवर्क एंड गाइज जिनॉन ई स्पोर्ट यहाँ पर हमारे साथ बीमा शक्ति की जानी फाइट में बिजी होती हुई दिखाई देने वाली है। नो गाइस, यहाँ पर कार्टून नेटवर्क ने पीछे कदम बढ़ाए हैं, उन्होंने ये फाइट जो है वो छोड़ने का फैसला किया है। कार्टून नेटवर्क के पास एडवांटेज था कि उनके सामने तीन ही प्लेयर दिखाई दे रहे थे और एक एडवांटेज के साथ खेल सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर थोड़ा पीछे हटे और पीछे हटकर यहाँ पर जो है वो पीछे जाने का फैसला किया। अच्छा, यहाँ पर स्नाइपर भाई भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। नू टीम नू नेम, ओ फ्लैश यहाँ पर आ चुके हैं, कह रहे हैं जो भी नोटिस, ये कैसा नेम है। स्लेयर की बात करते हैं, स्लेयर भी हमारे साथ मौजूद है, राजा है और गाइस आरसी के साथ फाइट हो सकती है यहाँ पर इनकी स्लेयर की, लेकिन नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टीम जो है वो ज़्यादातर हमारे साथ अवॉइड करती हुई नजर आ रही है फाइट को, फाइट लेने का फैसला तो नहीं कर रही यहाँ पर, और यही बात है कि वो थोड़ा पीछे हट रही हैं, नहीं फाइट ले रही गाइस। और RF के दो ही प्लेयर स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि ये दो ही प्लेयर्स उनके दिखाई दे रहे हैं स्टार्टिंग फाइट, और स्टार्टिंग में नुकसान उठाया था और उसके बाद अभी तक यही दिखाई दे रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पर टीम हमारे साथ फाइट है, यहाँ पर HMT और HM हमारे साथ, देख लेते हैं कौन सी टीम हमें दिखाई देती है। कह रहे हैं भाई बहुत प्यारा रिजल्ट है, बिल्कुल ना छेड़े यार, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा खासा दिख रहा है यार, मैंने तो लाइक इतना कोई मतलब अल्ट्रा ग्राफिक पे करने की जरूरत नहीं है जबकि इसी पर इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल इसको मैं ज़्यादा तंग करूं। और अगर आप मुकाबले की बात करते हैं तो भैया सल्लू भाई का PC शायद मेरे से ज़्यादा अपग्रेडेड है, तो इस वजह से मैं शायद उनका मुकाबला ना कर पाऊँ, बाकी करने में कोई मसला नहीं है, मतलब लाइक उस हद तक मैं बटन तो दबा सकता हूँ, इतना तो मेरे पास कंट्रोल है। गाइस यहाँ पर SM की फाइट स्टार्ट हो चुकी है, समी को यहाँ पर नॉक कर दिया गया और ये देखें गाइस ये होती है परफॉर्मेंस, यहाँ पर देखें कितनी जल्दी कवर आउट किया अपने प्लेयर को और उसके साथ यहाँ पर जो है वो फाइट में फिर से इन्वॉल्व हो गए। लेकिन इन फेमस ई स्पोर्ट की बात करते हैं तो प्लेयर काफ़ी तगड़े हैं इन फेमस ई स्पोर्ट के, मोइज हैं, गुज्जर हैं, हिटमैन हैं यहाँ पर और साथ ही साथ में हरून दिखाई दे रहे हैं, तो ये फाइट देखने में मजा आने वाला है, ये मजा आने वाला है। यहाँ पर क्रोज जा रहे हैं लेकिन पता नहीं है कि सामने बंदा है, भाई नेड कर रहा है यार, नेड कर रहा है वो बंदा यार, देखिए तो सही यहाँ पर। ओके जेंटलमैन, यहाँ पर अपना जो है वो बहुत गलत फैसला था उनका यहाँ पर, और यहाँ पर अगर देख लेते हैं तो सामने ओके गाइस एक और प्लेयर का नुकसान यहाँ पर SM को उठाना पड़ेगा, और इन फेमस के मोइज को जरूर डाउन किया गया गाइस, यहाँ पर मोइज को जरूर डाउन किया गया है। दो प्लेयर्स बाकी हैं, 4G एंड यहाँ पर जीनियस, 4G एंड जीनियस गाइस यहाँ पर, इन फेमस क्या यहाँ पर मुकम्मल करेगी सामने वाले स्क्वाड को या फिर आगे बढ़ने का फैसला किया जाएगा इनकी जाने पे। ओके गाइस यहाँ पर नेड आ रहे हैं और ये देखें गाइस एक प्लेयर को पीछे भेजने का फैसला कर लिया गया है और यही बेटर रहेगा। गुज्जर को डाउन किया गया गाइस यार, ये फाइट ले सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, 4G भैया आपने डाउन किया है और आप होल्ड करते तो शायद फायदे में रहते, लेकिन नहीं, अब 4G ने यहाँ पर बैक जाने का फैसला किया तो इसका नुकसान 4G को उठाना पड़ेगा और डाउन कर दिए गए हैं। लास्ट प्लेयर भी यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जीनियस है हमारे साथ, और दूसरी जानब गाइस यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ अभी तक जो है वो HOV नोटिस जो है वो किल लीडरशिप में मौजूद है और अच्छे किल्स के साथ मौजूद है। HM की बात करते एक ही किल के साथ मौजूद है और अब इनको यहाँ पर बच कर खेलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से नहीं बचा पाए अपनी टीम को तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इनके लिए। कार्टून नेटवर्क मौजूद है, काफ़ी देर से होल्ड कर रहे हैं यहीं पर और भी मत सकती है दूसरी ऐशे वाले घर में। तो अनटचेबल की बात करते हैं, कह रहे हैं सही है भाई इतना काफ़ी है, वैसे भी 340 FPS आते हैं आपके। अरे भाई MC मीना की स्पोर्ट आ रही है गाइस यहाँ पर, HS क्यों नहीं आई नूब गाइस, देख लेते हैं HS जो अगर हॉटशॉट पहले मैच में नहीं ज्वाइन की तो क्या बाकी 5 मैचों में वो इतने पॉइंट्स बना पाएगी कि वो चैंपियन बन सके, मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन गाइस यहाँ पर बात करें थे फाइव जेंटलमैन की, तो फाइव जेंटलमैन भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। अभी तक गाइस 11 की 11 टीमें मौजूद हैं, ये बड़ी मजे की बात है। अभी तक कोई भी टीम हमारा साथ छोड़ती हुई नजर नहीं आई, 11 टीमों ने ज्वाइन किया और 11 की 11 में दिखाई दे रही है। और जोन देखिए गाइस जिस जगह पे लगा है सेंटर में कोई भी टीम नहीं है। टीआरजी के पास चांस है कि वो सेंटर पकड़ सकती है, या फाइव जेंटलमैन के पास भी चांस है कि वो सेंटर पकड़ सकती है, लेकिन क्या यहाँ पर सेंटर पकड़ा जाएगा? और ये देखिएगा क्या बात है, एसएम के पूरे स्क्वाड को दोबारा सर्वाइव कर दिया गया और पूरा स्क्वाड वापस आता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन ये क्या फायदे में रहेगा, क्योंकि ये तो एक आसान फील साबित हो सकते हैं। जिस तरीके से वो उतर रहे हैं उनको स्क्वाड भी कर लिया गया और उनको ख़त्म भी किया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन सभी बचते हुए दिखाई देंगे। फौजी अब वापस अपनी ही लूट की तरफ आए हैं और उन्होंने अपनी लूट पर आने का फैसला किया है और हिटमैन ने उन्हें देख लिया, एक जेंटलमैन को जर्नल को यहाँ पर स्पॉट कर लिया गया है। कर रहे हैं मोइस को, बहुत तगड़े शॉट थे ये, मोइस को बहुत तगड़े शॉट थे यहाँ पर। मोइस का किल मिल जाएगा कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि मोइस का किल जरूर इनको मिल जाएगा। और हिटमैन को भी डाउन कर दिया भाई, परफॉर्मेंस बोलते हैं यहाँ पर फौजी यहाँ पर। अरे भाई साहब फौजी बहुत अच्छा खेल गए हैं और कहीं ना कहीं अपने प्लेयर को बचाने में कामयाब हो सकते हैं अगर यहाँ पर बचाने की कोशिश की जाए इनकी जानिब से। और ये कहते हैं बदला लेना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अपने तीन प्लेयर्स को खोया था और यहीं पर अब वापस आकर उनके दो बंदों को खत्म किया जिन्होंने इनके प्लेयर्स को खत्म किया था। तो यहाँ पर HM ऑन फायर अगेन यहाँ पर गेम के अंदर आ चुकी है। इनफेमस को काफी नुकसान होता हुआ, इनफेमस यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनफेमस के मुझे लगता है कि एक प्लेयर ही रह जाएंगे और वो गुज्जर रहने वाले हैं। ये होता है गाइस, पलट दिया यहाँ पर पूरी गेम को और फिर से यहाँ पर स्पॉट कर लिया गया है। मुश्किल है गाइस इनका बच पाना, यहाँ पर बैक साइड से प्लेयर्स आ रहे हैं, स्पॉट कर लिए गए तो भैया गेम खत्म। ओ नाइस हेडशॉट गुज्जर भैया क्या शॉट लगाया है, मानना पड़ेगा। जाते जाते एक किल तो बना लेंगे अपने लिए, आसानी से किल बना लेंगे। किल मिलेगा यहाँ पर और एक और शॉट भाई डाउन कर दिया। वेरी वेल प्लेड, लेकिन इनका किल नहीं मिलेगा इनको यहाँ पर, इनका किल नहीं मिलेगा। पांच किल्स के साथ मौजूद हैं और इन फेमस ईस्पोर्ट बहुत जबरदस्त यहाँ पर गेम प्ले कर रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन मजे की बात है कि अभी तक 11 की 11 टीम्स बाकी हैं, कोई टीम अभी तक हमें छोड़ती हुई नजर नहीं आई। स्लेयर्स भी दिखाई दे रही है जीरो किल के साथ। HOB नोटिस गाइस यहां पर बहुत क्लोज है फिनिश होने के, एक मेडिकेट बाकी है, लगा लें तो बेटर रहेगा। ये भी है इनके पास अनस्टॉपेबल यहां पर एलिमिनेट, और इसके साथ साथ नोटिस HOB भी एलिमिनेट हो चुकी है। 8 टीमें अब रह चुकी हैं, एक साथ 3 टीमों का जाना मेरा ख्याल है कि ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे थे कि 11 की 11 टीम बाकी थी और अब जाकर ख़त्म होती हुई नजर आई। गुरु भाई अपने चैनल पर क्यों नहीं करवा रहे ब्रो, क्योंकि ये इस चैनल का टूर्नामेंट है तो इसी पर करवाया जाएगा। ओह भाई अपनी ग्लू हल ब्रेक कर रहे हैं, क्या हो गया गुहान थोड़ा सा यहाँ पर जो है संभल के खेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम बैक चलते हैं तो यहाँ पर फाइव जेंटलमैन के पास भी कोई टीम नहीं है। जिनोन यहाँ पर और रॉयल स्पोर्ट्स को भी एलिमिनेट कर दिया गया है यहाँ पर, और जिनोन के पास 4 किल हैं और वो 4 के 4 किलो मैच ने करके दिए हैं यहाँ पर अपनी टीम के लिए। नाइस गाइस एक और किल हासिल करवा के देगी क्या? बिल्कुल, यहाँ पर पाशा को भी डाउन किया गया है, बहुत मुश्किल में आरसी की स्पॉट दिखाई दे रही है। कार्टून नेटवर्क भी थोड़ी मुश्किल में पड़ सकती है, काफी अच्छे शॉट लगाए जा रहे हैं। 77 का भी एक और शॉट लग चुका है और उमैर को यहाँ पर संभल के खेलना पड़ेगा। टोटल 5 किल के साथ मौजूद है, किल लीडरशिप यहाँ पर जिनोन ईस्पोर्ट के पास आ चुकी है और फाइट के लिए आगे बढ़ेगी कार्टून नेटवर्क की जाने। हिस्ट्री मेकर्स यहाँ पर हमारे साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे। बैक साइड पे TRG मौजूद है हमारे साथ और उनका मुकाबला यहाँ पर स्लेयर्स के साथ हो सकता है। लेकिन क्या बात है, यहाँ पर अगर बात की जाए जिनोन की तो जिनोन बहुत तगड़ा खेली है। रिवेंजर्स क्रिएट को भी एलिमिनेट कर दिया गया, RC भी अब हमारा साथ छोड़ती हुई नजर आएगी। उमैर डाउन हो चुके हैं, उमैर को बचाने के चक्रों में ओरियो भी डाउन हो सकते थे, लेकिन अच्छी ग्लूवाल का इस्तेमाल, बैक साइड से डैमेज आ रहा है 5G का और किल नहीं मुकम्मल करने दिया गया और बचा लिया गया है। अब इनको तो नहीं छोड़ो यार, ये यहाँ पर इनके बचाने के चक्रों में आप भी मर सकते हो, लेकिन बचाया जाएगा। ब्राज़ील को यहाँ पर बचा लिया गया है और देखा जाए तो 5G 5 जेंटलमैन भी अभी तक अपना होल्डिंग पॉइंट बना के बैठे हुए हैं और स्लेयर्स को बहुत फायदा होने वाला है, स्लेयर्स को काफी फायदा होने वाला है। जिनोन के पास 6 किल जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्लेयर्स के पास जोन है, स्लेयर्स के पास यहाँ पर मैच चेंज करने का चांस है। उजी को बचना पड़ेगा यहाँ पर और उजी काफी कम HP के सारे रह चुके थे, सामने कार्टून नेटवर्क बहुत ज्यादा डैमेज देती हुई नजर आ रही थी और बहुत जबरदस्त गाइस यहाँ पर चांस है स्लेयर्स के पास पहली पूजा निकालने का। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्लेयर्स यहाँ पर बाजी के जा सकती है, लेकिन कार्टून नेटवर्क अगर वो भाई अपने ही भाई ग्लूवल को ब्रेक कर रहे हैं, अपने ही बंदे किंग को उड़वा दिया है और अब रांझे को भी जाना पड़ेगा और अब बचे हैं सिर्फ 2 प्लेयर्स और गोहान करीब आए और एक प्लेयर को उन्होंने बिल्कुल अपने साथ ले लिया, उन्होंने बोला यहाँ पर जो है ना आप ही आ जाए, ये सामने से बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि अलोन के पास ही ग्लूवल शायद खत्म होने के करीब है, 2 ही ग्लूवल्स बाकी हैं।
और दो ग्लूवास और एक प्लेयर को डाउन कर दिया, लेकिन नहीं 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 ये सारे किल जाने वाले हैं स्लेयर्स के पास। और गाइस यहाँ पर पूया आएगी स्लेयर्स की, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था अभी 4 से 5 टीमें बाकी थी, लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पर स्लेयर्स बाजी लेगी, क्यों ना लेगी, क्योंकि यहाँ पर उनके पास एक अच्छी जगह थी, एक हाइट का एडवांटेज था और उस चीज़ का बड़ा बखूबी फायदा उठाया टीम स्लेयर्स यहाँ पर। पहले मैच का भूया ग्रैंड फाइनल है गाइस वीक 2 का, और उस फाइनल को यहाँ पर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त स्टार्टिंग के साथ जो है वो शुरुआत की है इन्होंने, और बड़ी प्यारी स्टार्टिंग दी है यहाँ पर इस मैच की और इस टूर्नामेंट के फाइनल की। तो हुजी हमें यहाँ पर MVP बनते हुए नजर आएंगे टीम स्लेयर्स की जानिब से, और टीम स्लेयर यहाँ पर 14 किल के साथ। यार ये होती है बात कि जब आप फाइनल खेल रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हो जाता है और ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि भाई हमने यहाँ पर 14 किल के साथ पहली भूया ले ली है, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखी मेरी। सेकंड पर जिनोन स्पोर्ट बनता है भाई इनका 6 खेल के साथ 15 पॉइंट्स है। उमैर बहुत तगड़ा खेले जिनोन की तरफ से। और कार्टून नेटवर्क की बात करते हैं तो भैया होल्ड करने में ना इनसे बेस्ट टीम मैं नहीं देख सकता था कि यहाँ पर इतने कम जोन में और इतनी अच्छी जगह उन्होंने होल्डिंग की है, वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिली है। 7 किल उन्होंने किए, 15 पॉइंट्स बनाए यहाँ पर और हमारे साथ देखने को मिली। और इसी के साथ साथ 5 जेंटलमैन की बात करते हैं, ये छुपे रुस्तम तो मैं कहूँगा यहाँ पर क्योंकि पूरे मैप में मुझे याद नहीं आए, और उन्होंने फिर भी 10 पॉइंट्स निकाल लिए अपने लिए। 6 पॉइंट्स यहाँ पर रॉयल गार्डियंस के रहेंगे, रेवेंजर के 7 पॉइंट के साथ, हिस्ट्री मेकर्स 8 पॉइंट, क्या आज हिस्ट्री को ही मेक कर पाएंगे ये देखना पड़ेगा। रॉयल फोर्स 4 पॉइंट के साथ, नोटिस HOB 5 पॉइंट्स, अनटचेबल ई स्पोर्ट यहाँ पर 2 पॉइंट्स, और इन फेमस ई स्पोर्ट की बात करते हैं तो 5 पॉइंट के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन RF की जो सपोर्ट आ रही है बहुत प्यार दिखा रहे हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त सीन देखने को मिल रहा है। तो गाइस बात कर लेते हैं, अभी हमें आगे भी बढ़ना है और टीमों की बात करते हैं, तो जैसे कि HS हमारे साथ अभी तक ज्वाइन नहीं है, तो देखते हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करती है या क्या सीन रहता है उनकी जानिब से। लेकिन हम अगले मैच की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारे साथ प्रोगेटरी मैप रहने वाला है, और प्रोगेटरी मैप में कैसी परफॉर्मेंस रहती है और कितना अच्छा खेला जाता है टीमों की तरफ से ये ज़रूर देखने को मिलेगा और देखा जाएगा। सेकेंड मैप रहेगा यहाँ पर प्रोगेटरी मैप, और पहला मैच का पूजा हमारे साथ टीम प्लेयर्स लेकर जाती हुई नजर आई है। बहुत प्यारा स्टार्ट, बहुत तगड़ी गेम प्ले, यहाँ पर $50 का सवाल है और अच्छा शुरुआत है और अच्छी गेम प्ले है यहाँ पर उसकी जानी से। मजा आया गाइस उसकी गेम प्ले देखने का और बहुत अच्छा स्टार्ट देते हुए नजर आए हैं, लेकिन देखते हैं गाइस कितना होल्ड करते हैं। स्कोरिंग सिस्टम जैसे आप लोगों को पता ही कि ई स्पोर्ट में जो स्कोरिंग सिस्टम रहता है सेम वैसा ही यहाँ पर सीन है, कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेंशन आउट जरूर कर दिया गया ताकि टीम्स को अंदाज़ा रहे कि ये पॉइंट्स जो है अगर हासिल करेंगे तो बाजी लेकर जा पाएंगे, वरना उनके लिए कुछ खासा सीन नहीं रहने वाला। और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम्स के प्राइस पूल की, तो आज वीक 2 में $50 देखने को मिल रहे हैं। तो क्या सेकंड मैच की तरफ बढ़ते हैं, बातें तो चलती रहेंगी और साथ ही साथ में मैच भी चलते रहेंगे, लेकिन प्रोगेटरी मैच अब जो सेकंड मैच है वो हम देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर, उसमें कौन भैया लिखा जाता है। क्या स्टार्ट हो चुके हैं मनाजिर हैं यहाँ पर प्रोगेटरी मैप के, और प्रोगेटरी मैप है यहाँ पर टीम्स की लैंडिंग, और अनटचेबल ने जल्दी से यहाँ पर लैंड करने का फैसला कर लिया है। मैप की तरफ बढ़ते हैं तो टीम्स की क्लैश लैंडिंग यहाँ पर कहाँ पे देखने को मिल सकती है वो जरूर देखने को मिलेगा। जिनोन की स्पोर्ट आ रही थी, HOB नोटिस की भी स्पोर्ट आ रही थी, और उसके साथ साथ गाइस यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं हमारे साथ क्लैश लैंडिंग देखने को मिल सकती है कहाँ पर, तो वो रहेगी यहाँ पर इनफेमस और HOB नोटिस के साथ। HOB की नोटिस की पहले मैच में की भी हम लोगों को क्लैश लैंडिंग देखने को मिली थी और इस बार भी क्लैश लैंडिंग होती हुई दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पर फाइट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके गाइस जिनोन के पास 5 जेंटलमैन आ चुके हैं और इनके पास गन नहीं है और पकड़ लेंगे, होप को पकड़ा जा सकता है क्योंकि इनके पास गन नहीं है और इनको डाउन करेंगे। और भाई क्या तगड़े शॉट लगाए यहाँ पर
और साथ यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ेंगे और एक डील मिल चुका है यहाँ पर जिनोन को, क्या अच्छी शुरुआत है यहाँ पर। और साथ को यहाँ पर जो है वो देखना पड़ेगा, उसके पास गन आ चुकी है, क्या वो यहाँ पर डाउन करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर कार यहाँ पर ब्राजील को डाउन करेंगे या ब्राजील उनको डाउन करेंगे, करीब आने के फैसले। यूएमपी भाई, यूएमपी मिल गई है, कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर। एक और प्लेयर का नुकसान, फाइव जेंटलमैन का एक और प्लेयर हमारे साथ छोड़ता हुआ नजर आएगा और जिनोन को दो किल्स का फायदा होगा और यहाँ पर एक ओरियो के हाथ में जाएगा किल और एक क्रिमिनल के हाथ में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बात कर लेते हैं आरसी की, तो आरसी हमारे साथ जीरो किल के साथ है और एच एस फिर नहीं आई। हाँ यार, एच एस शायद रिस्पॉन्स नहीं कर रही, भूल गए हैं या फिर उनको पता नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रही। सेकेंड मैच में भी ज्वाइन करती हुई नज़र नहीं आई। अब आरसी के पास चांस है, वो एच एस की जगह आए और वहाँ पर लूट करें और यहाँ से आगे अपने मैच को चलाते हुए नजर आएंगे। अनटचेबल जीरो किल के साथ मौजूद है और अनटचेबल की तरफ से अभी तक जो है लास्ट मैच की परफॉर्मेंस कैसी रही है वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। लेकिन क्या ये सही पॉइंट है? आई थिंक सो नहीं सही है। स्लेयर्स की भूया के बाद काफी ज्यादा पॉइंट्स थे और ये पॉइंट्स सही कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ओके गाइस, ये मैं यहाँ पर वेबसाइट पे म्यूजिक ऑफ कर देता हूँ कि मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा साउंड आ रहा है उसका। एच ओ भी नोटिस की फिर से स्पोर्ट आती हुई नज़र आ रही है और स्लेट्स की बात करते हैं, हुजी हमारे साथ अभी तक जो है वो नेट उनका चला गया था लेकिन वापस आते हुए नज़र आएंगे। पिछले मैच का भूया किया है और पिछले मैच में जो कॉन्फिडेंस मिला है 14 किल के साथ 26 पॉइंट आई थिंक सो बनाते हुए कामयाब हुए थे ये। और अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इनका सेकेंड मैच कितना अच्छा जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हमने देखा कि पहले मैच में भी टीमें जो है जल्दी फाइट लेती हुई नज़र नहीं आ रही थी, लास्ट में बहुत जल्द 60 टीमें एलिमिनेट हुई थी और ये बड़ी ज़बरदस्ती देखने मिली थी। अब इस बार देखते हैं गाइस टीमें क्या फाइट लेंगी। और ओ, मोइज ने डाउन किया है इन फेमस स्पॉट के, मोइज ओ सेकंड प्लेयर को भी डाउन करेंगे। भाई क्या बात है, एक ही बंदा दो दो बंदों को खा गया यार, मतलब क्या शुरुआत है मोइज की जानी से। मोइज व्हाट अ ब्रिलियंट यार इन फेमस के, मोइज यहां पर एक और किल निकाल सकते हैं क्या, देखना पड़ेगा। दो किल के साथ मौजूद हैं और एच ओ बी नोटिस की बात करते हैं, दो बंदों का नुकसान। अब कहीं ना कहीं इनफेमस आए तो सारे मिलकर यहाँ पर एच ओ बी नोटिस को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी तक इनफेमस की जानिब से आगे नहीं बढ़ा जा रहा क्योंकि उनकी तरफ एक और टीम आती हुई नजर आ रही है। ओहो हो, बैक साइड से एच एम आ चुकी है और ये प्लेयर के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है, ये प्लेयर के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि ये बच नहीं पाएंगे यहाँ पर। ओके, लेकिन नहीं, खत्म किया गया गुज्जर को यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो हरून कवर तो दे रहे हैं लेकिन मोइस चाह रहे हैं कि मैं वही 1v4 करके क्वाड्रा निकाल दूं, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वाड्रा निकालने में कामयाब होते हैं। जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि करीब है यहाँ पर के एलिमिनेट कर दे सामने वाली टीम को। आगे दो बंदों को खत्म किया और इस बंदे को भी खत्म कर सकते हैं। गाइस क्वालिफाई सीन नहीं है, आज फाइनल चल रहा है और जो जीतेगा उसको $50 मिलने वाले हैं, यहाँ पर सिंपल चीज है। ओ मोइज व्हाट अ गेम ब्रो, क्या खेल रहा है लड़का भाई, ये बंदा क्वाड्रा कर रहा है क्या, ये बंदा क्वाड्रा कर रहा है। ओके गाइस, लास्ट प्लेयर भाग गए यहाँ से, तीन बंदों को घर की राह दिखाई है इस बंदे ने, क्या बात है लड़का, बहुत एंड खेल गया, बहुत एंड खेल गया। अब वो इनकी रेंज से बाहर जरूर हो गए लेकिन एक बात तो इन्होंने साबित कर दी कि इनके लिए 1v4 करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी और 1v4 आसानी से कर सकते थे और वो करके दिखा भी देते अगर वो प्लेयर यहाँ पर होल्ड करते, क्योंकि अभी एच ओ बी कारवां के भाई तीन बंदों को सिर्फ मोइज ने अकेले ही संभाल लिया और तीन बंदों को खत्म कर दिया। बहुत अच्छा स्टार्ट, बहुत अच्छी गेम प्ले यहाँ पर इनकी जानिब से देखने को मिली है। बात कर लेते हैं फाइव जेंटलमैन जीरो किल के साथ मौजूद है, टीआरजी की बात करते हैं तो जीरो किल के साथ दिखाई दे रही है और जिनोन को जो शुरुआत मिली थी 3 किल यहाँ पर कर चुकी है और 2 किल मिले थे यहाँ पर और एक और किल के साथ मौजूद है। आरसी की बात करते हैं जो कि रेंजर्स क्रेड्स हमें देखने को मिलती है और यहाँ पर जो है वो 0 किल के साथ दिखाई दे रही है। अनटचेबल की बात करते हैं, 0 किल के साथ मौजूद है। स्लेयर्स लास्ट मैच का पूरा करने वाली टीम हमारे साथ यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही है, बहुत ज़बरदस्त इनकी गेम प्ले रहती है। लेकिन देखें गाइस, मरे तो मरे लेकिन यहाँ पर फिर से अगेन मैच के अंदर आते हुए नजर आएंगे एच ओ बी कारवां। गाइस यहाँ पर एच ओ बी कारवां बोल रहा हूँ, एच ओ बी नोटिस यहाँ पर स्क्वाड हमें वापस आता हुआ नजर आ रहा है गेम के अंदर और अगेन इनकी फाइट हमें देखने को मिल सकती है। यार मैंने पहले बताया कि इसमें से क्वालिफाई वाला सीन नहीं है, ये तो आज फाइनल चल रहा है, जो जीतेगा वो प्राइज पूल हासिल करेगा, तो सिंपल फड्डा है यहाँ पर, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आरएफ की बात करते हैं जो कि हमारे साथ जो है वो देखने को मिली है, बहुत अच्छी सपोर्ट इनकी मुझे देखने को ज़रूर मिली है और देखते गए इनकी तरफ से क्या परफॉर्मेंस रहती है।
अच्छा आगे क्वालिफाई के लिए. अच्छा, ओके 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 ओके. नैने ने शायद शेयर कर दिया है कि आगे जो है वो कितने क्वालिफाई होंगे, लाइक जो हमारा आगे का सीन रहने वाला है, ग्रुप स्टेजेस रहने वाली है, तो उसके लिए 9 टीम्स उन्होंने मेंशन की हैं. तो 9 टीम्स खेलती हुई नजर आएंगी आगे. तो जिनोन की सपोर्ट आ रही है यहाँ पर, और लेट्स सी गाइस यहाँ पे क्या बनता है. कार्टून नेटवर्क यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कार्टून नेटवर्क की बात करेंगे तो 0 किल के साथ देखने को मिलेगी. मैप की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अभी तक जो है हमारे साथ पहला मैच खत्म हो चुका है और सेकंड मैच यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है. और सेकंड मैच की बात करते हैं तो अभी तक जो है कोई भी टीम हमारे साथ एलिमिनेट होती नजर नहीं आई. नुकसान जरूर उठाया था यहाँ पर एचओबी नोटिस ने, लेकिन अब दोबारा से वो कमबैक करती हुई नजर आ रही है. हमजा फरूकी आ चुके हैं, उसामा भाई कह रहे हैं जी ब्रो कैसे हैं, वेलकम हो गया स्ट्रीम पर. जैसे अभी तक जो मुझे लग रहा है कि ये फाइट हो सकती है और वो होती हुई दिखाई दे सकती है. 5 जेंटलमैन यहाँ पे आगे बढ़ रही है और यहाँ पर उनकी फाइट देखने को मिल सकती है. सामने से आई, बहुत डैमेज आ रहा है भाई इनको, बहुत ज्यादा डैमेज आ रहा था लेकिन बचत हो चुकी है यहाँ पर. ज्यादा जो है ना अगर चक्कर में पड़ते तो डाउन हो सकते थे. 5 जेंटलमैन यहाँ पर पीछे क्यों हट रहे हैं, पीछे हटना यहाँ पर नुकसानदेह साबित हो सकता है. कवर नहीं है भाई, कवर नहीं है, ग्लूवा लगा रहे हैं लेकिन वो यहाँ पर नहीं बचा पाए उनको, और अब खुद का भी यहाँ पर बच पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं और डाउन होने के चांसेस हैं यहाँ पर. बचते हुए भाई बचने में कामयाब भी हो चुके हैं यहाँ पर. लेट्स सी इनकी तरफ से क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है. बहुत ज़बरदस्त गेम प्ले की जा रही है इनकी जानिब से. और अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पर 5 जेंटलमैन जो है हमारे साथ, उनका एक प्लेयर का नुकसान तो हुआ था लेकिन अब बाकी प्लेयर्स को जो है वो नुकसान हो सकता है क्योंकि वो करीब है यहाँ पर. साथ की एचपी काफी कम होती हुई दिखाई दी है, साथ यहाँ पर डाउन होने के करीब हैं. लेट्स सी गाइस यहाँ पर देखते हैं. साथ 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 फिर से स्नाइपर का शॉट जरूर लगा रही हैं भैया, इतना टाइम लेंगे तो भैया खत्म हो जाएंगे. साथ को भी डाउन किया जाएगा यहाँ पर और साथ को भी बचा पाना मुश्किल हो जाएगा. वो काफी दूर निकल चुके हैं. आखिर वैसे तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रिवाइव कर सकते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि उनकी टीम पूरी मुश्किल में है और दो बंदे यहाँ पर जो है नुकसान उठा चुके हैं, यहाँ पर इनको भी नुकसान हो सकते हैं. तो लेट्स सी गाइस यहाँ पर देखते हैं क्या सीन रहता है इनकी जानिब से. और काफ़ी ज़बरदस्त गाइस यहाँ पर इनकी तरफ से गेम प्ले देखने को मिल सकती है. और एग्जैक्टली यहाँ पर एक ही प्लेयर बाकी हैं. बहुत अच्छा खेला है यहाँ पर अनटचेबल ने गाइस. और लेकिन बैक साइड से शायद एक और टीम भी आ चुकी है. डैमेज 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 बाइक पर बैठ चुके हैं, अभी डैमेज कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा इनके लिए. कार्टून नेटवर्क सपोर्ट आ रही है और आरएफ को भी सपोर्ट आ रही है गाइस. दोबारा से रिवाइव हो चुके हैं 5 जेंटलमैन और उनके प्लेयर्स वापस आते हुए नजर आएंगे. टीआरजी 4 किल के साथ मौजूद है और लेट्स सी गाइस एक प्लेयर रह चुके हैं जिनोन के. गाइस खत्म हो सकते हैं, अगर सामने से भी डैमेज आया तो खत्म हो सकते हैं. जिस जानिब जा रहे हैं पूरा स्क्वाड है वहां पर, जिस जानिब जा रहे हैं पूरा स्क्वाड है. और जिनोन को लास्ट टाइम काफी अच्छे पॉइंट्स मिले थे लेकिन इस बार मुझे लगता है 3 पॉइंट और ये हेडशॉट. भाई क्या तगड़ा हेडशॉट लगाया है टीआरजी की जानिब से यहाँ पर, क्या खूबसूरत यहाँ पर सबू भाई ने हेडशॉट लगा दिया है. और बड़ा अच्छा स्टार्ट गाइस देखने को मिला है इनकी जानिब से, मानना पड़ेगा. और 5 किल गाइस यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं. इस मैच में काफ़ी अच्छी शुरुआत है टी आर जी की जानिब से. और आर सी की बात करते हैं, 2 किल के साथ मौजूद हैं और 2 के 2 किल क्लियर नहीं किए हैं और सामने से फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं टीम नंबर 1 के साथ. ओ भाई सामने है भी टी आर जी, सामने है भी टी आर जी और ये फाइट देखने को मिल सकती है हमें काफ़ी ज़बरदस्त. और न्यू एच ओ बी का न्यू नोट जो है वो नोटिस हमारे साथ मुश्किल में है. अनटचेबल के फिर लास्ट प्लेयर रह चुके हैं SR26 स्लेयर्स गाइज. लास्ट मैच की भूया करने वाली टीम 2 किल के साथ मौजूद है. बड़ा ज़बरदस्त खेला जा रहा है इनकी जानिब से वो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जिस तरह वो बैलेंस करके खेल रहे हैं, लाइक उनको पता है कि पहले मैप को जो है वो होल्ड करना है और उसी के लिए पहले निकल जाते हैं. देखिए जैसे जोन लगा अब उन्होंने रोटेशन लेने का फैसला कर लिया है. दो स्लेयर्स इस टाइम अपने ग्रैंड फाइनल को जीतने के लिए आई है और इस फाइनल के प्राइज पूल $50 को अपने नाम करने आई है. रोटेशन अच्छी है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और बहुत अच्छा खेलती हुई नजर आ रही है. आरसी को दिखाएं तो मैंने दिखाया है आरसी को और दोबारा से दिखा देते हैं गाइस. कार्टून नेटवर्क गाइस मौजूद है और कार्टून नेटवर्क किस पर अटैक कर रही है, आरसी पर ही अटैक कर रही है. आरसी मुश्किल में गाइस, आरसी मुश्किल में है और आरसी की जानिब बढ़ते हैं. लाइक एक ही प्लेयर बाकी है, नीचे गिर चुके हैं. बड़ा गलत फैसला होगा यहाँ पर इनका नीचे गिरना. ओके 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 गाइस ओके, कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर ये देखना पड़ेगा. ओके डैमेज आ रहा है भैया, डैमेज आ रहा है, बैक साइड से भी डैमेज आ रहा है. बचते हुए यहाँ पर आरसी
करीब है एलिमिनेट होने के, गाइस आरसी एलिमिनेट होने के बहुत करीब है। ऊपर जाने के फैसले सही रहेंगे तो अच्छे रहेंगे भाई। फिर से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, पहुंचो। ओ भाई सिर्फ 39 की एचपी बची है गाइस, यहाँ पर बचत हो गई है। ओ नहीं भाई, यहाँ पर रेंजर्स क्रीड को किया गया है एलिमिनेट आरएफ की जानिब से, और रॉयल फोर्स की शुरुआत यहाँ पर होगी इस मैच में तगड़ी वाली। दो किल यहाँ पर, और एचएम की बात करेंगे 4 किल के साथ थे। कार्टून नेटवर्क जो कि फैसला कर चुकी है एचओबी नोटिस को एलिमिनेट करने का, और वो आगे बढ़ रहे हैं। ओ नोटिस एचओबी भी हमारे साथ एलिमिनेट हो चुकी है गाइस, यहाँ पर 8 टीमें रह चुकी हैं और ये प्लेयर भी नुकसान में जाएंगे क्योंकि जो स्नाइपर चल रही है यहाँ पर वो बहुत खतरनाक है। फिर से यहाँ पर डाउन किया जाएगा, बहुत जबरदस्त गाइस यहाँ पर गेम प्ले। टीम कार्टून नेटवर्क की जानिब से शुरुआत इन्होंने पहले मैच में अच्छी की थी और उसके साथ साथ अब सेकंड मैच में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इन फेमस ईस्पोर्ट के लास्ट प्लेयर रह चुके हैं हारून, और इनको देखा गया तो ये भी खत्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बैक साइड पे काफी टीमें लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इनको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस रहती है। कह रहे हैं टीआरजी नूव्स यहाँ पर, केओएफ के ओसामा कह रहे हैं रेंजर्स क्रीड यहाँ पर हमारा साथ जरूर छोड़ चुकी है, और स्नाइपिंग का इस्तेमाल करना हारून के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर हारून को मेरा ख्याल है बिल्कुल भी फाइट नहीं लेनी चाहिए। ऊपर वाली साइड पर जो है वो 5 जेंटलमैन मौजूद है। एचएम के प्लेयर्स को नुकसान पहुंचाया गया है, 7 को डाउन किया गया है, 7 को नुकसान दिया गया है यहाँ पर। तौसीब भी मुश्किल में पड़ सकते हैं लेकिन नहीं बचेंगे। इन फेमस ई स्पोर्ट के लास्ट प्लेयर भी खत्म, हिस्ट्री मेकर्स भी यहाँ पर खत्म। ओ भाई साहब 5 किल के साथ मौजूद है हमारे साथ 5 जेंटलमैन, और लास्ट टाइम भी इनके अच्छे पॉइंट्स थे, और 6 किल के साथ टीआरजी। लास्ट टाइम टीआरजी की गेम प्ले हमें ज्यादा देखने को नहीं मिली लेकिन इस बार 6 किल के साथ मौजूद है, और स्लेयर्स गाइस 2 किल के साथ फिर से रोटेशन लेंगे भाई। ये सही है इनका, जाते हैं जोन में और फिर सही जगह पकड़ते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अनटचेबल भी यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है, 3 किल कर लेगी यहाँ पर टीम स्लेयर, और उनके बाइक को जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया, और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं क्योंकि बाइक के सहारे ही आगे बढ़ रहे थे और अब यहाँ पर वो चीज़ उनके पास नहीं रही, और गाड़ी भी यहाँ पर जो है वो इनकी ख़त्म कर दी गई है। आरएफ का नुकसान आ रहा है आरएफ की जानिब से, और टीम जो है वो रॉयल फोर्स इनको नुकसान दे रही है गाइस। स्लेयर्स फंस चुकी है, स्लेयर्स फंस चुकी है इस बार लास्ट टाइम की तरह। इस बार स्लेयर्स को मुझे नहीं लगता बुया मिलने वाली क्योंकि आरएफ रॉयल फोर्स भी यहाँ पर अटैक कर रही है, टीआरजी भी यहाँ अटैक कर रही है, लेकिन एक प्लेयर को डाउन करने के बाद यहाँ पर जोन पकड़ने का इनका फैसला एक अच्छा रहेगा। और यही बात है कि जो टीम्स बुया करती हैं, जो टीम्स यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पर किस तरीके से वो आगे बढ़ सकती है और किस तरीके से यहाँ पर अपने आप को अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। लेकिन स्लेयर्स के यहाँ पर लास्ट प्लेयर नहीं बचवाएंगे जो कि लास्ट नजर आ रहे थे हमें, स्लेयर्स के राजा डाउन हो चुके हैं, मलिक यहाँ पर खेल रहे हैं, हुजी भी यहाँ पर मौजूद है, और किल्स पे किल्स हासिल करेगी ये टीम, किल्स पे किल्स हासिल करेगी। आरएफ का अटैक आ रहा है यहाँ पर, कार्टून नेटवर्क दूर मौजूद है लेकिन आरएफ रॉयल फोर्स यहाँ पर एलिमिनेट कर सकती है स्लेयर्स को, लेकिन 3 प्लेयर्स के साथ मौजूद है स्लेयर्स और 6 किल कर चुके हैं यहां पर टीम स्लेयर। ओके गाइस आरएफ आरएफ की बात करनी पड़ेगी। रॉयल फोर्स को भाई नेट के साथ डाउन किया गया है अहमद को, और एक और नेट किया जा रहा है, बहुत अच्छी नेटिंग की जा रही है, और ये नेट 2 बंदों को नोटन कर सकता है यहां पर, डैमेज बहुत तगड़ा दे रहे हैं, नेट पे नेट जा रहा है, फिर से डैमेज गया यहां पर, और फिर से नेट और ये ले गाइस, ये क्या कर रहे हैं नेट भाई, क्या खूबसूरत गेम प्ले कर रहे हैं यहां पर स्लेयर्स के प्लेयर। अब 2 स्नोप को नहीं बचाया जा सकता यहां पर, और लीडर भी मुश्किल पड़ सकते हैं। टीआरजी यहाँ पर नुकसान दे रही है, 2 बंदे रह चुके हैं आरएफ के, और आरएफ को अब नुकसान चल रहा है। स्लेयर्स ने कहाँ से गेम निकाली है मानना पड़ेगा, मैं तो वैसे कंसीडर कर चुका था कि स्लेयर नहीं बचने वाली लेकिन अब यहाँ पर स्लेयर्स तो बची साथ में बाकियों को लेकर जाती हुई नजर आ रही है। मलिक को जरूर डाउन किया जाएगा यहाँ पर नेट आते हुए, और अहमद को भी यहाँ पर नेट का काफी नुकसान हुआ। कार्टून नेटवर्क आ चुकी है नीचे से गाइस, यहाँ पर रॉयल फोर्स को एलिमिनेट किया जाएगा। 2 टीमें बची हैं, टीम स्लेयर्स और कार्टून नेटवर्क, लास्ट टाइम भी यही हमें लास्ट में दिखाई दे रही थी। ओ स्लेयर्स भाई क्या प्यारी गेम प्ले की जा रही है। एक प्लेयर को डाउन किया गया है, अपना किल पूरा करेंगे, लेकिन गाइस यहां पर टीम प्लेयर्स को एलिमिनेट किया गया है, और बुया जाती हुई नजर आएगी इस बार कार्टून नेटवर्क से। लास्ट टाइम तो बुया नहीं कर पाए लेकिन इस बार कार्टून नेटवर्क ने कहा कि इस बार हमारे हाथ में है गेम और हम चेंज करेंगे इस गेम को। लेकिन स्लेयर्स वेरी वेल प्लेड गाइस, जिन्होंने दोबारा सेकंड पोजीशन हासिल की है, और कहने की मुझे लगता है कार्टून नेटवर्क से किल ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सेकंड मैच की भूया कार्टून नेटवर्क के पास आती है 12 किल, और नहीं गाइस करीब भी नहीं आने दिया, 8 किल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर स्लेयर्स के, 12 किल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और 24 पॉइंट के साथ कार्टून नेटवर्क इस बार भूया करेगी, और स्लेयर्स हमें सेकंड पे दिखाई देगी 8 किल और 17 पॉइंट के साथ, और थर्ड पर हमें रॉयल फोर्स दिखाई दे रही है 3 जो है किल्स और
11 पॉइंट के साथ, और अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर फोर्थ पर रॉयल जो है हमारे साथ गार्डियन की, तो 15 पॉइंट के साथ है। बहुत अच्छे किल्स थे इनके पास और 15 पॉइंट्स बनाने में कामयाब हुई है। फाइव जेंटलमैन की बात करते हैं, 11 पॉइंट के साथ हैं। अनटचेबल ई स्पोर्ट 8 पॉइंट्स और हिस्ट्री मेकर्स 8 पॉइंट, इन फेमस ई स्पोर्ट 7, नोटिस एच ओ बी 7 पॉइंट्स, रिवेंजर्स की 3 पॉइंट्स एंड जिनोन ई स्पोर्ट की बात करते हैं तो 3 पॉइंट्स के साथ देखने को मिल रही है। दो मैचेस खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ तीसरा मैच स्टार्ट होने को है, जो कि कलाहारी मैप है, और कलाहारी मैप में देखेंगे गाइस क्या परफॉर्मेंस रहती है टीम्स की तरफ से। और अभी तक दो मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, और मैप्स की बात करते हैं तो मैप्स हमारे साथ जो है वो 6 मैप्स देखने को मिलेंगे, और 6 मैप्स में देखा जाएगा कि कौन सी टीम कितना अच्छा खेलती हुई नज़र आती है। कार्टून नेटवर्क की सपोर्ट भी आ रही थी और कार्टून नेटवर्क काफ़ी अच्छा खेलती हुई नज़र आई। HS हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रही, दो मैचेस गुजर चुके हैं, क्या थर्ड मैच में हमारे साथ ज्वाइन होती हुई नजर आएगी, ये देखना ज़रूर पड़ेगा। और चार बंदों में वो क्लियर कर गया कार्टून नेटवर्क, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, चार बंदों में वो क्लियर कर गया कार्टून नेटवर्क, व्हाट इज़ दिस, हैं क्लियर कर गया मतलब। ओके गाइस, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अगला मैच और देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर अगले मैच में, क्योंकि हमारे साथ कलाहारी मैप रहेगा। गाइस अगला मैच स्टार्ट करते हैं, जो कि कह रहे बिग सी भी होगा, नहीं नहीं ब्रो, अब इसके बाद ग्रुप स्टेज स्टार्ट हो जाएंगे। 19 आई थिंक सो हमारे पास फर्स्ट वीक की प्लेयर टीमों में से ली जाएगी जो टॉप आई थी, और 19 जो है वो सेकंड हमारे आज के वीक में से ली जाएंगी, और इसी तरह से 18 टीम्स का जो है वो हमें ग्रुप स्टेजेस देखने को मिलेगी। तो गाइस कलाहारी मैप स्टार्ट हो चुका है, कलाहारी मैप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं गाइस कलाहारी मैप में कौन सी टीम का भूया आता है, जो पहले मैच में स्लेयर्स और सेकंड मैच में टीम कार्टून नेटवर्क के भूया के बाद अब बाकी टीमों का भी दिल करेगा कि वो भी भूया करें और वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है वो खेल के दिखाएं, क्योंकि अगर फाइनल जीतना है $50 अपने नाम करने हैं, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करते हैं तो 15,000 से ऊपर चला जाता है सीन उसका, तो ज़रूर टीमें कोशिश तो करेंगी। तो देखते हैं कैसे उसकी तरफ से क्या रहता है लाइव की तरफ। चलें गाइस मैप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मैप में यहाँ पर जो है वो टीम्स की लैंडिंग कैसी रहने वाली है, और कौन सी टीम कहाँ पे उतरती हुई नज़र आएगी, और कौन सी टीम को कितना फ़ायदा होता नज़र आएगा। कह रहे हैं वी HS तो नहीं खेल रही, नहीं HS तो अभी ज्वाइन नहीं करी, कार्टून नेटवर्क की सपोर्ट आ रही है गाइस, लाइक कर दें, 100 लाइक्स का टारगेट एम रहेगा, 100 लाइक्स करने आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर वो करेंगे तो जाहिर सी बात है। गाइस फाइट हो चुकी है, दो जगह पे यहाँ पर क्लैश लैंडिंग चल रही है, दो जगह पे क्लैश लैंडिंग चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर बढ़ते हैं जिनोन की फाइट चल रही है, और वो चल रही है टीम स्लेयर्स के साथ, स्लेयर्स के साथ पंगा भाई यहाँ पर नहीं चंगा, स्लेयर्स जो कि दो दफा अच्छी पोजीशन बनाने में कामयाब हुई है उसके साथ फाइट चलती हुई। और हेडशॉट ओरियो, व्हाट अ हेडशॉट यार, ओरियो का बहुत प्यारा हेडशॉट लगा यहाँ पर, बहुत प्यारा हेडशॉट लगा गाइस, यहाँ पर बचाना चाहिए अपने पेड़ को, और करीब आकर खत्म किया ओरियो को, वरना यहाँ पर ओरियो तो भाई बाजी चेंज करते हुए नजर आ रहे थे। अब देखना पड़ेगा क्रिमिनल को, और यहाँ से निकलते हुए दिखाई देने वाले हैं, और ये भी निकल रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जिनोन को पीछे हटना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनका फैसला गलत था, इनका इन्होंने जो फाइट ले ली थी वो एक ऐसी टीम के साथ ले ली थी जो कि आज मेरा ख्याल है कि चैंपियन बनने के मूड में आई है, और ख़त्म कर दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर ब्राज़ील निकलने में कामयाब हो चुके हैं जिनोन ईस्पोर्ट की जानी से। हमारे से एच ओ बी नोटिस फर्स्ट टाइम फाइट लेती हुई नज़र नहीं आ रही, HOB नोटिस इस बार नहीं आ रही हमें फाइट लेती हुई, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने दो मैचेस में क्लैश लैंडिंग की थी, और नहीं भाई उसे कहीं ना कहीं तो मर रहे हैं, और हैं टीम के पास हैं, मैं गलत हो गया, यहाँ पर ये फाइट ज़रूर लेगी। और टीम को खिला लो भाई, कह रहे रोजाना तो उसने खेली होती है, किस बात यार, शायद वो आज की टीम में फोन की वजह से भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। फिर से HOB नोटिस को फिर से नुकसान, तीन बंदे गाइस डाउन हो चुके हैं, एक ही बंदा बचा है यहाँ पर,
और मैं अभी सोच ही रहा था कि ये आए हैं और आप क्या लड़े नहीं हैं, तो ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो एच ओ बी नोटिस अगेन थर्ड मैच में भी क्लैश एंडिंग में मार खाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक तीन मैचेस में इनके साथ यही हुआ है और शायद पहले मैच में इन्होंने थोड़ा सा अच्छा खेला था। ओ भाई यू, अगर ये नहीं लगता ये एलिमिनेट हो जाते बिल्कुल भी, ये बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाते यार, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता आपको सीरियसली। ओ भाई क्या किस्मत है यहाँ पर। फिक्सिट यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आरएफ की बात करते हैं गाइस, जो कि हमारे साथ रॉयल फोर्स मौजूद है जीरो किल के साथ। एचएम बहुत ऐसा खेली है लास्ट मैच जीरो किल के साथ। कार्टून नेटवर्क ने भाई भूया निकाली है। ओ भाई पकड़ लिया भाई, भूया करने वाली टीम से पंगा नहीं चंगा। और ये लें नोटिस एच ओ बी गाइस, फिर से सबसे पहले इस मैच में एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी हमें। और नैने आपकी सपोर्ट आपका प्यार उन तक पहुंच नहीं पा रहा और वो जल्दी घर की राह ले रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता रहता है, बैट पैच आता रहता है। ये बड़ी बात है कि वो फाइनल ज्वाइन करती है और फाइनल खेलती हुई नजर आती है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी टीमों में से आगे आना भी बड़ी चीज़ होती है, और अगर आज जो है वो टॉप नाइन में आ जाती है तो फिर वो इससे भी आगे लाइक ग्रुप स्टेजेस में भी चली जाएगी, ये भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। और फाइव जेंटलमैन की बात करती है, चार किल के साथ मौजूद है हमारे साथ। और टी आर जी जीरो किल के साथ मौजूद है। जिनोन की बात करते हैं, जीरो किल के साथ मौजूद है, नीचे वाली साइड में मौजूद हैं, ऊपर जाएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर गए हैं और दिखाई दे रहे हैं। अनटचेबल वन किल के साथ मौजूद है। स्लेयर्स गाइस, स्लेयर्स चार किल के साथ मौजूद है। फिर से बहुत खूबसूरत शुरुआत गाइस स्लेयर्स को मिली है। और बैक साइड से 5G के प्लेयर देख लिए गए हैं क्या? हाँ जी गाइस, यहाँ पर एक और फाइट देखने को मिल सकती है। राजा आगे बढ़ेंगे और ये फाइट होती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर क्या सीखा है, फाइव जेंटलमैन के प्लेयर मौजूद हैं सात सामने और राजा प्लेयर के यहाँ पर फाइट लेना चाह रहे हैं उनके साथ। ओ बैक साइड से भी प्लेयर आ गए हैं। आई थिंक सो ये फाइट बहुत जो है ना फायदे में रहने वाली है टीम स्लेयर्स के लिए, क्योंकि ये खत्म कर सकते हैं भाई। मारो ना, मारो इनको। ओके गाइस डैमेज गया है थोड़ा सा यहाँ पर, बिल्कुल अंधाधुंधा आ रहे हैं, शॉट लग सकते हैं इनको। भाई राजा डाउन होने के लिए, भाई एक डाउन कर दिया यहाँ पर और लेकिन बचा लिया जाएगा यहाँ पर फाइव जेंटलमैन के प्लेयर सात को डाउन करने के बाद। ये जाएगा टीम स्लेयर्स के खाते में और शुरू से ही स्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रही है। इनका मुकाबला है कार्टून नेटवर्क के साथ, जरूर चल सकता है क्योंकि कार्टून नेटवर्क सेम उनके साथ तगड़ा वाला सीन करती हुई नजर आ रही है, फाइट उनको तगड़ा दे रही है। गाइस 100 लाइक करने हैं तो लाइक बटन दबाएं जल्दी जल्दी के साथ, और 100 लाइक्स आज आपने जरूर डन करनी है। जो भी बंदा नहीं आ रहा है लाइक जाने करने में कोई इशू नहीं है, बस आप करेंगे तो हमें थोड़ा लगेगा कि हम भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा अप्रिशिएट हो जाते हैं, हम भी कर दें गाइस लाइक। फेमस ईस्पोर्ट की बात करते हैं, मैप की तरफ जरूर चलते हैं, यहाँ पर मैप में देख लेते हैं फाइट कहाँ पे हो सकती है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे फाइट हो सकती है, फाइव जेंटलमैन और आरएफ की फाइट हो सकती है, जो कि हमारे साथ रॉयल फोर्स में है। स्लेयर के पास भी एक बंदा मौजूद था अनटचेबल का और वो लास्ट ही बंदा है। अरे भाई ये लास्ट बंदा और ये खत्म हुआ तो गेम खत्म, के सर पे बंदा है भाई। ओ भाई 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 मुझे देख रहा है क्यों, इसको लग रहा है कि यहाँ पे बनता है, नहीं अच्छा तो हो जाएगी, बचत हो गई है, बचत हो गई है, खत्म हो सकते थे गाइस। ये फाइट हो सकती है टीम रॉयल फोर्स। ओके काफी डैमेज दे दिया गाइस कार्टून नेटवर्क वर्सेस गाइस यहाँ पर रॉयल फोर्स। कार्टून नेटवर्क कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइट बार बार ले रही है क्योंकि उनको किल्स की जरूरत है। फर्स्ट मैच उनका इतना अच्छा नहीं गया मानना पड़ेगा, सेकंड पोजीशन ली थी, किल्स भी निकाले थे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने वो चीज़ मिस की है तो वो अपने थर्ड मैच में उस चीज़ की कमी को पूरा करें और किल्स निकालें, क्योंकि उनका मुकाबला अभी तक स्लेयर्स के साथ चल रहा है। स्लेयर्स एक भुया निकाल चुकी है, कार्टून नेटवर्क भी एक भुया निकाल चुकी है, वो भी सेकंड पे आए हैं, ये भी सेकंड पे आए हैं, और अब देखना पड़ेगा क्या सीन रहता है। हेडशॉट काफ़ी अच्छा हेडशॉट था अलोन पर, भाई क्या अटैक कर रही है कार्टून नेटवर्क, क्या अटैक कर रही है, क्या खेल रही है यहाँ पर। लीडर यहाँ पर मुश्किल में पड़ सकते हैं, कार्टून नेटवर्क यहाँ पर मौजूद है और एक प्लेयर काफ़ी दूर है, उनके पास भी कोई टीम मौजूद है यहाँ पर, ये इनकी भी फाइट हो सकती है। तो ऊपर चले गए हैं और उधर जाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, और लीडर को भी डाउन कर दिया गया इस यहाँ पर, लीडर को भी डाउन कर दिया है। अब बचे हैं सिर्फ एक प्लेयर, ऊपर वाली साइड पर मौजूद है,
अगर थोड़ी सी भी हलचल हुई तो यहाँ पर गेम पलट सकती है, और अगर ये खत्म हो गया, क्योंकि ये खत्म हो जाता है अक्सर, मैंने देखा ये खत्म हो जाता है, इसके खत्म होते ही मेरा ख्याल है कि सीन हो सकता है। गाइस लाइक जरूर बटन दबाइएगा और करिएगा आईजी के फ्लैश यहाँ पर कह रहे हैं ब्रो आपने नहीं करना तो आप ना करें, भाड़ में जाएं, लेकिन बाकियों को तो करने दें ना। आप पता नहीं कौन से मतलब माइंड के बंदे बैठे हुए हैं, पूरे लाइफ पे एक ही बंदा ऐसा दिख रहा है कि जो जिसको घर से रोटी नहीं मिली और वो यहाँ पर गुस्सा उतार रहा है। तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या हो गया फ्लैश भैया, लेकिन खैर इन फेमस के प्लेयर्स की बात करते हैं तो एक किल यहाँ पर और 12 किल गाइस, सॉरी 12 उनका नंबर है, टीम का नंबर है, मैं समझा 12 किल कर चुकी है ये टीम, लेकिन नहीं, यहाँ पर 5 जेंटलमैन यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद है और 4 किल के साथ मौजूद है, 4 किल के साथ मौजूद है और टीआरपी फाइट हो रही है। ये बड़ा दूर से इनको पता नहीं है किसी टीम ने, ज़ेनॉन ने किल कर लिया, ज़ेनॉन को यहाँ पर नुकसान हुआ है। अब आरएफ और सीएन मेरे लाइक हाफ हाफ करेंगी, गाइस देखते हैं आरएफ 0 किल के साथ मौजूद है, अनस्टॉपेबल की बात करेंगे, 1 किल के साथ दिखाई दे रहे हैं और जोन से बाहर निकलने का फैसला कर लिया गया इनकी जानिब से। स्लेयर्स 5 किल के साथ मौजूद है, उसी 4 किल कर चुके हैं, इस मैप पे देखते हैं यहां पर अनटचेबल भी यहाँ पर अपने प्लेयर्स को रिवाइव करते हुए दिखाई दे सकती है, काफी देर से खान यहाँ पर मौजूद थे। लव फ्रॉम गैलेक्सी स्टार्स, अरे भाई भाई आरएफ अहमद को अभी मेरा ख्याल है कि कर लेना चाहिए रिवाइव कर लेना चाहिए, कोई टीम नहीं है इनके पास, पता नहीं किस चीज का डर है, लेकिन इतनी दूर से इनके पास कोई नहीं आने वाला। ये भी रिवाइव कर रहे हैं अपने, ये भी रिवाइव कर रहे हैं और एक ही टीम एचओबी नोटिस एलिमिनेट हुई है, उसके बाद बाकी टीम यहाँ पर जो है फाइट ले रही है और ये भी ज़ेनॉन के प्लेयर्स भी यहाँ पर अपने आप को रिवाइव भी करेंगे और बचाने की कोशिश करेंगे और किल भी मिल गया गाइस इनको यहाँ पर। ये 2 किल के साथ मौजूद हैं, 2 किल के साथ मौजूद हैं यहाँ पर, 8 सी की बात करते हैं, 0 किल के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, 0 किल है गाइस, अभी तक कोई किल नहीं किया इनके जाने से। अनटचेबल 1 किल के साथ मौजूद है, तीसरा मैच है गाइस और इसके बाद 3 मैचेस खत्म हो जाएंगे, लाइक अब फिर उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कमबैक करना उन टीम्स के लिए जो 3 मैचेस में अच्छा नहीं खेल पाई, लेकिन जो टीमें अपने आप को अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाई हैं जैसे स्लेयर्स और कार्टून नेटवर्क की बात कर लेते हैं, इन फेमस की बात कर लेते हैं, तो ये टीमों के पास चांस रहेगा। और ये ले, बड़ा गलत फैसला यहाँ पर हो सकता था, लेकिन मुझे लगा शायद सामने टीम हो रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर आ सकते हैं और इन फेमस के साथ फाइट हो सकती है, इन फेमस के प्लेयर्स आ चुके हैं और फाइट हो चुकी है स्टार्ट, इन फेमस वर्सेस स्लेयर, मलिक को नुकसान गाइस, मलिक को नुकसान भाई, नीचे ऊपर फाइट चल रही है, नीचे ही है मौजूद अभी तक, अरे भाई 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 भाई, अरे भाई 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 भाई, टीम प्लेयर्स की कमर तोड़ी गई है इस बार, टीम प्लेयर्स की कमर तोड़ी गई है इस बार, ओके गाइस, इन फेमस ई स्पोर्ट, व्हाट अ परफॉर्मेंस गाइस, इस बार उन्होंने पकड़ा भी तो किसको गाइस, टीम प्लेयर को, टीम प्लेयर्स इस बार अगर अपनी पोजीशन नहीं अच्छी बना पाई तो बड़े नुकसान में जाने वाली है। हुजी 4 किल के साथ मौजूद है, टोटल 5 किल थे और 4 किल के साथ मौजूद है, ओके गाइस, एक की प्लेयर रह चुके हैं स्लेयर के, हुजी स्लेयर के, हुजी गाइस नीचे फाइट चल रही है, 5 जेंटलमैन फाइट ले रहे हैं, भाई ले लो ना आप भी फाइट ले लो, रॉयल फोर्स एलिमिनेट हो चुकी है, रिवाइव कर रहे हैं, लॉन्चर का इस्तेमाल, नाइस भाई, किल नहीं मिलेगा आपको, आप अपनी लोकेशन भी दे चुके हैं और अब किल लेना भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, नेट अच्छा गया तो भाई फायदे में रहेंगे, दोनों ही जाएंगे अगर के, ओ भाई साहब, हुजी स्लेयर के, हुजी ऑन फायर भाई, क्या बात है लड़के, अरे भाई पूरी टीम ले लेंगे क्या, 5 जेंटलमैन की पूरी टीम एलिमिनेट करने के करीब है यहाँ पर हमारे हुजी भैया, ओ नाइस गाइस, हुजी बहुत अच्छा खेल गए यहाँ पर, बहुत अच्छा खेल गए, डैमेज आएगा इनको,
किल मिलेंगे गाइस, जल्दी से किल मिलते हैं इनके। मैं तो चाह रहा हूँ कि किल मिलते हैं इनके जल्दी जल्दी। एक किल मिलेगा, दूसरा किल मिलेगा, और इसी के साथ 7 किल के साथ मौजूद है ये बंदा। भाई साहब 6 किल गाइस, टोटल 6 किल गाइस प्लेयर्स के हुजी। बहुत अच्छा खेल रहे हैं गाइस, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 7 किल टोटल कर चुके हैं और ये लास्ट प्लेयर थे स्लेयर के। जाते जाते जो किल अनटचेबल को एलिमिनेट कर दिया गया है, और हमारे साथ HMB यहाँ पर देखने को मिल रही है। नीचे से TRGRE है, हेडशॉट दे दो भैया। अच्छा ऐसे भागते हुए बंदे को ना हेडशॉट बड़ा मजे का लगता है। इतना ये क्यों नहीं मार पाए, 3 बंदे हैं भाई, इतना आसान ही लीजिएगा, इतना आसान ही लीजिएगा। 3 बंदों में घुसने का फैसला ना कर लीजिएगा, अंदर ही जाइएगा। अगर नेड वेड है, अच्छा नेड है इनके पास है, गलत फैसला है। आप नेड यूज करो ब्रो, आप नेड अच्छा यूज करते तो आप अपनी गेम पलट देते, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा फैसला है, TRG को नुकसान तो काफ़ी अच्छा दे रही है HM यहाँ पर। ऊपर से भी डैमेज आ रहा है और अच्छा खासा डैमेज आ रहा है, तो देखते हैं क्या सीन रहने वाला है इनकी जानी से। ओके रेवेंजर स्क्रीन भी एलिमिनेट हो चुकी है, RC भी एलिमिनेट हो चुकी है, TRG एलिमिनेट हो सकती है अगर यहाँ पर HM अच्छे तरीके से प्ले करती है और एक साथ मिल के प्ले करती है। ओके यहाँ पर 2 प्लेयर्स पीछे से कवर दे रहे हैं और 2 प्लेयर्स, अरे इधर नहीं है भैया, बैक साइड में मौजूद हैं। फौजी भैया को डैमेज आया, लेकिन फौजी भैया के यहाँ पर क्या शॉट लगे, आके एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर रॉयल गार्डियन को। बहुत जबरदस्त गाइस यहाँ पर गेम प्ले देखने को मिली है, और टोटल 2 किल, और ये किल नहीं मिल रहे इनको, किल क्यों नहीं मिल रहे यहाँ पर इनको। एक ही किल मिला है शायद, एक किल मिला है इनको यहाँ पर, और किल ही नहीं मिला यहाँ पर इनका। एक बैक साइड से किल किसी ने खा लिया, और 3 किल के साथ दिखाई दे रहे हैं कार्टून नेटवर्क 12 किल के साथ मौजूद है। भाई बहुत अच्छा गेम प्ले यहाँ पर कार्टून नेटवर्क का, और इन फेमस 6 किल के साथ मौजूद है जिनोन यहाँ पर 6 किल के, और टीम क्लियर 7 किल के साथ हमें देखने को मिलेगी, और देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा गाइस, 6 किल के साथ जैसे मौजूद है ना, कि पोजीशन बना गए तो क्या बात है यहाँ पर। 6 किल गाइस क्लियर के पास, 6 किल क्लियर के पास, HM 4 किल के साथ मौजूद है, और बहुत ज़बरदस्त गाइस ये प्ले यहाँ पर उनकी जाने पर। कार्टून नेटवर्क 12 किल के साथ, और जिनोन ई-स्पोर्ट को एलिमिनेट कर दिया गया है। टोटल बचेंगे हमारे पास 4 टीमें, जहाँ पर कार्टून नेटवर्क हैं, HM का स्क्वाड है, और टीम यहाँ पर स्लेयर के हुजी बैक साइड से आ चुके हैं। यार क्या बात है यार, हुजी तुम मतलब इनको ना अवार्ड मिलना चाहिए कोई ना कोई। इनके किल भी निकाल दिए और पोजीशन भी, और ये नेट कर दिए इन्होंने तो भाई गेम खत्म। ये नेट गया, अरे अरे भाई उन्होंने क्लू लगा दी सामने, अरे भाई जुल्म कर दिया भाई, अरे भाई बड़े याद आओगे तुम, बहुत ज़्यादा याद आओगे तुम, बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन खैर कार्टून नेटवर्क भी मुश्किल में है, रांझा यहाँ पर लास्ट बंदे रह चुके हैं, और अलोन को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। सामने से भी टीम आ चुकी है इन फेमस की, और कार्टून नेटवर्क को नीचे जाना पड़ेगा। कार्टून नेटवर्क के अलोन फिर से डाउन, और अलोन फिर से डाउन, दोबारा रिवाइव करें जबकि इनको डैमेज आ सकता है। दोनों प्लेयर्स को यहाँ पर अच्छे से खेलना पड़ेगा, नीचे फाइट चल रही है, कार्टून नेटवर्क बड़े फायदे में रह सकती है। एक नेड अच्छा किया और डाउन कर दिया HM के प्लेयर को, हिटमैन। यार किल मिलेगा किसको, किल किसको मिलेगा HM का, हिटमैन जो है ना इन फेमस के रह चुके हैं सिर्फ अकेले, और डैमेज आ रहा है ऊपर से यहाँ पर जो है वो कार्टून नेटवर्क डैमेज दे रही है। तो 3 बंदे HM के मौजूद हैं, और ये भूया HM के नाम भी जा सकती है, लेकिन कार्टून नेटवर्क ने अगर ये बुया निकाल दी ना तो मानना पड़ेगा। और ये कार्टून नेटवर्क निकाल भी सकती है, ये बुया निकाल सकती थी, लेकिन नीचे आना उनके लिए भारी पड़ गया, आना भी था क्योंकि जोन आ रहा था। हिटमैन इन फेमस के हिटमैन भाई, वन बी वन है भैया, बचाओ ना उसको, अरे भैया बचा लो ना, अरे अरे यार पता नहीं कहाँ पे बिजी है ये, बचा लिया शुक्र है बचा लिया भाई। हिटमैन लेट्स सी गाइस, हिटमैन को देखना पड़ेगा ग्लू वॉल का अच्छा इस्तेमाल, 1v2 कर पाएंगे इन फेमस के ये प्लेयर। हिटमैन को 1v2 करना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है इनके लिए वैसे, यहाँ पर 4 बस्टर भी हाथ में पकड़ी हुई है। ओके ओ एक को डाउन किया यहाँ पर हिटमैन ने, भाई क्या बात है लड़के, यहाँ पर जनरल को शॉट, और इन फेमस की बुया या फिर HM की बुया, अरे 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 शॉट, अच्छा हिटमैन ले ले, अरे भाई ले ले भाई, ब्रिलियंट गेम प्ले गाइस इन फेमस ई-स्पोर्ट के हिटमैन जाने से, व्हाट अ परफॉर्मेंस गाइस भाई, 1v2 किया ही किया, लेकिन फेमस को यहाँ पर जो बुया दिलवाई है ये इनका दोबारा से जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल वापस आने वाला है, वापस बिल्ड हो गया है।
इनफेमस ईस्पोर्ट का यहाँ पर बुआ, और इस बार इनफेमस ने टीम स्लेयर को बड़ा नुकसान दिया था, और ये हक बनता था कि अब स्लेयर की टीम को नुकसान दिया तो उनकी जगह भी पकड़े। उन्होंने बुआ ली थी तो अब उनकी जगह बुआ लेकर दिखाएं। इनफेमस ईस्पोर्ट यहाँ पर बुआ, मोइस बहुत अच्छा खेल रहे हैं, किस बड़े अच्छे निकाले थे। 1v4 का एक इनके पास चांस था, तीन बंदों को उड़ाया था, एक बंदा भाग गया वरना मोइस भाई वो भी ले जाते। तो इस टाइम इन फेमस की तरफ से जो एक एक बंदा जो अपनी गेम प्ले करके दिखा रहा है वो मानना पड़ेगा, तारीफें यहाँ पर करने का दिल कर रहा है। लेकिन आगे भी बढ़ते हैं मैच की तरफ, और 11 किल के साथ 23 पॉइंट्स बनाने में कामयाब हुई हैं। हिस्ट्री मेकर्स बहुत अच्छा हिस्ट्री मेक करने वाले थे, बुआ कर जाते तो, लेकिन खैर 5 किल के साथ 14 पॉइंट के साथ मौजूद है। 15 किल यहाँ पर कार्टून नेटवर्क के, और 23 पॉइंट के साथ मौजूद है यहाँ पर थर्ड नंबर पर, और फोर्थ पर मौजूद है स्लेयर और 14 पॉइंट के साथ हैं। जिनोन ईस्पोर्ट 12 पॉइंट के साथ है, रॉयल गार्डियन 8 पॉइंट्स, और यहाँ पर रेंजर्स की 5 पॉइंट के साथ हैं, 5 जेंटलमैन 10 पॉइंट के साथ, अनटचेबल ईस्पोर्ट 4 पॉइंट्स, और रॉयल फोर्स 1 पॉइंट्स, एंड नोटिस एचओबी 0 पॉइंट के साथ देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं अगले मैच की जो कि हमारे साथ रहने वाला है, अल्पाइन मैप। ये एक ही मैच रहेगा क्योंकि बाकी तो रिपीट होंगे, लेकिन ये एक ही मैच रहेगा। इसमें देखेंगे गाइस किस टीम की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल कर आती है और कितना अच्छा खेला जाता है टीम्स की तरफ से। कमेंट सेक्शन यहाँ पर देख लेते हैं, हिटमैन यहाँ पर लेवल कर गए हैं, बिल्कुल हिटमैन लेवल ही कर गए हैं, और बहुत जबरदस्त गेम प्ले यहाँ पर हिटमैन की तरफ से देखने मिली है। ओके गाइस, यहाँ पर अगला मैच स्टार्ट किया जाएगा जो कि अल्पाइन मैप रहने वाला है, हमारे साथ फोर्थ मैप है, और फोर्थ मैप यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। तीन मैचेस खत्म हो चुके हैं और तीन वो टीमें जो बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं उनके दरमियान फाइट चलने वाली है, उनके दरमियान बड़ा मज़ेदार सीन चलने वाला है। फोर्थ गेम यहाँ पर अल्पाइन मैप देखने को मिलेगी, और स्टार्ट भी कर दिया गया है मैच को, देखते हैं गाइस क्या सीन है। गाइस यहाँ पर देख लेते हैं अल्पाइन मैप, यहाँ पर फोर्थ गेम है, उसके बाद बरबुदा और फिर कलाहारी देखने को मिलेगा, यानी कि प्रोगेटरी हमें सिर्फ एक दफ़ा ही देखने को मिल रहा है, और अल्पाइन भी एक ही दफ़ा देखने को मिला है। अब यहाँ पर जो है हमारे साथ अगला मैच स्टार्ट हो चुका है, और अगला मैच यहाँ पर रहेगा 12 टीम्स के दरमियान, जिसमें सिर्फ हमारे साथ हॉट शॉट की ज्वाइन होती हुई नज़र नहीं आई, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो हॉट शॉट भी ज्वाइन हो जाएगी अगर तुम आई, वरना तीन मैचेस तो गुजर चुके हैं, तीन गुजर जाएंगे इन्हीं 11 टीमों के साथ। तो अल्पाइन मैप की तरफ बढ़ते हैं, मैच हो चुका है स्टार्ट, और इन 12 टीम के दरमियान देखने को मिलेगा। फाइव जेंटलमैन की सपोर्ट आ रही है, अनटचेबल की सपोर्ट आ रही है, और सल्लू एंड डाउडी भाइयों को ढूंढा जा रहा है, तो वो तो नहीं है यहाँ पर फिलहाल। ओके गाइस, हमारा फोर्थ मैच स्टार्ट हो चुका है, और फोर्थ मैच की 11 टीम्स हमें देखने को मिल रही है। क्लैश एंडिंग हो चुके हैं यहाँ पर, जिनोन ईस्पोर्ट और टी नंबर 3 के दरमियान यहाँ पर फाइट देखने को मिलेगी। गाइस अभी तक जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक बटन दबा दें, और सपोर्ट दिखा दें यार थोड़ी सी अच्छी सी करेंगे। लेट्स सी गाइस, यहाँ पर टीम नंबर 3 वर्सेस गाइस यहाँ पर जिनोन ईस्पोर्ट के दरमियान फाइट होने वाली है। कार्टून नेटवर्क की सपोर्ट आ रही है, कार्टून नेटवर्क की बुआ तो नहीं आई लेकिन किल्स काफ़ी अच्छे थे। इस बार इनफेमस ईस्पोर्ट गाइस करीब है, और इनफेमस ईस्पोर्ट यहाँ पर लास्ट मैच की बुआ करने वाली टीम है, और जिनोन की बुआ नहीं आई अभी तक, ये बड़ी हैरत की बात है। ये टीम बहुत अच्छा खेलती है, तब देखते हैं गाइस अगर इनफेमस को इन्होंने टक्कर दे दी तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी तरफ से यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिल जाए एक इंडिया करके। खैर अल्पाइन मैप में देखते हैं गाइस, बहुत गेम चेंज होती हुई नज़र आती है अक्सर हम देखते हैं, और इनफेमस पे यहाँ पर अपने कदम जमाए जा रहे हैं। मोइस को डैमेज दिया गया है लेकिन मोइस को अब डाउन किया जाएगा, तीन बंदे एक साथ जो है सामना करते हुए नजर आ रहे थे। उमेर को डाउन जरूर किया गया है यहाँ पर लेकिन वो भी बच नहीं पाएंगे। ओके भाई एक और प्लेयर डाउन,
एक और प्लेयर डाउन, लेकिन एक प्लेयर को उन्होंने डाउन भी कर दिया है, गुजर को भी डाउन कर दिया गया यहाँ पर, और दो ही बंदे बचे हैं, दो बंदे बचे हैं और इनफेमस के सिर्फ एक बंदा रह चुका है यहाँ पर, इनफेमस का एक बंदा रह चुका है और जिनोन यहाँ पर। अरे भाई बास ने नहीं दे रहे हिटमैन, हिटमैन लास्ट टाइम के बुया करवा के देने वाले प्लेयर अब मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, और ये लेगा बुया करने वाली टीम की खुशियां ज्यादा देर नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर इनफेमस ईस्पोर्ट को एलिमिनेट कर दिया गया है फोर्थ मैच में सबसे पहले। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा लॉस, वो टीम जो आज बन सकती थी विनर, दावेदार हो सकती थी, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच यहाँ पर जो है वो जाया होता हुआ नजर आएगा, बहुत ज्यादा नुकसान में जाता हुआ नजर आएगा। टीम स्लेयर भी फाइट ले रही है और हमने देखा कि टीम स्लेयर की लास्ट टाइम की फाइट उनके लिए कितनी खतरनाक रही थी, पर फिर भी उनके 7 किल और अच्छे पॉइंट्स बना लिए गए थे जिसकी वजह से कमबैक हमें देखने को मिला था। इस बार जो है वो टीम स्लेयर क्या इस बार जो है वो शुरुआत अच्छी दे पाएगी। राजा को डाउन किया गया है और राजा को अभी तक रिवाइव नहीं किया जा सका और खत्म होते हुए नजर आएंगे राजा हमें यहाँ पर। लेकिन बात कर लेते हैं टीम स्लेयर्स की, तो यहाँ पर टीम स्लेयर के प्लेयर हमें दिखाई दे रहे हैं, एक प्लेयर अभी तक जो है वो डैमेज हैं और सॉरी डाउन हैं और उनको मुकम्मल भी कर दिया गया है। टीम स्लेयर फिर से शुरुआत थोड़ी नुकसान में है, लेकिन कोई बात नहीं, देखना पड़ेगा। लोन आज यहाँ पर जिनोन को कह रहे हैं कि एंड, लेकिन जिनोन ने कर दिया यहाँ पर फेमस ईस्पोर्ट को एंड, और बहुत अच्छा यहाँ पर जब गेम प्ले जिनोन की तरफ से देखने मिला है, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि अब जिनोन को भी कमबैक करना चाहिए और उनको भी बुया आना चाहिए जहाँ पर सब टीमें बुया निकाल रही हैं, 3 मैचेस और 3 डिफरेंट टीम्स का बुया, कार्टून नेटवर्क, स्लेयर और इनफेमस ईस्पोर्ट। लेकिन अब यहाँ पर फोर्थ मैच में क्या अलग टीम बुया करेगी या फिर एक रिपीट बुया भी होती नजर आ सकती है हमें किसी टीम की जानकारी। 5 जेंटलमैन यहाँ पर मौजूद है 0 किल के साथ, और TRG की बात करते हैं 0 किल के साथ मौजूद हैं, जिनोन ईस्पोर्ट 4 किल के साथ हमें खेलती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर जिनोन ईस्पोर्ट की तरफ से देखने को मिली है और बहुत अच्छी गेम प्ले देखने को मिली है। ओके गाइस, लाइक बटन जरूर दबाइएगा, लाइक कितने हो चुके हैं हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं और एक दफ़ा मैप की तरफ बढ़ते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि फाइट हो रही है, और ये देखें गाइस यहाँ पर फाइट हो रही है, एच ओ पी नोटिस की फाइट हो चुकी है स्टार्ट, और आए हैं प्लेयर डाउन कर दिया भाई, बहुत खूबसरत। एक और प्लेयर को डाउन करने के चांसेस, लेकिन खुद डाउन हो चुके हैं करीम प्लेयर जो मौजूद हैं, क्या डाउन कर पाएंगे? बिल्कुल डाउन करेंगे यहाँ पर चांस, बहुत ज़बरदस्त। रेवेंजर्स के को एलिमिनेट कर दिया गया यहाँ पर स्लेयर्स की जानिब से, और स्लेयर्स को नुकसान दे रही थी, लेकिन गाइस यहाँ पर डाउन भाई, डाउन बंदों को मुकम्मल करते चांस भैया, आप बाहर आकर ढूंढ रहे हैं बंदे यार, सीरियसली यार, इतना चांस था यहाँ पर एचओबी नोटिस के बाद कि इस बार गेम चेंज करने का, कि फिर भी उन्होंने जो है ना बड़ा गलत फैसला किया, भाई बाहर ढूंढ रहे हैं, और मेरे ख्याल सामने अंदर जाते अपने प्लेयर को भी बचाते और अपने जो प्लेयर्स डाउन किए उनको मुकम्मल करते, गेम अपने हाथ से खुद ही खो दिया यहाँ पर चांद भैया ने, और क्या ही कह सकते हैं यहाँ पर। चलें गाइस यहाँ पर देखते हैं, चौबी नोटिस एक किल के साथ मौजूद है और फिर से पीछे हटती हुई नजर आ रही है, लेकिन दरमियान में फाइट हो चुकी है स्टार्ट, और वो फाइट जो है वो कुछ अलग टीम्स के दरमियान चल रही है, वो देखना पड़ेगा। एक ही प्लेयर रह चुके हैं और वो हवा के अंदर हैं, और ये जिधर उतर रहे हैं यहाँ पर भी कोई टीम मौजूद है। एच एम नुकसान में हो सकती है, HM नुकसान में जा सकती है। अरे भाई बंदे ने देख लिया उतरे हैं और स्पोर्ट कर लिया जाएगा, बिल्कुल कर लिया जाएगा भाई। अरे भाई 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 भाई, पिछली दोनों टीमें जो थी, फर्स्ट नंबर की टीम एंड सेकंड नंबर की टीम, वो दोनों टीमें हमें देखने को मिली सबसे पहले ही एलिमिनेट होती हुई देखने को मिली है। तो बड़ा जो अलग सीन हुआ है इस बार, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने ही बुया की थी और सेकंड पे आए थे हिस्ट्री मेकर्स वाले, अब पहले बुया करने वाली टीम पहले एलिमिनेट हो गई और सेकंड पे आने वाली सेकंड नंबर पे एलिमिनेट हो गई, मतलब क्या ही किस्मत चल रही है यहाँ पर। कार्टूनेटर 3 किल के साथ मौजूद है और 5 जेंटलमैन 0 किल के साथ मौजूद है। ERG की बात करते हैं, 0 किल के साथ दिखाई दे रही है, जिनोन 4 किल के साथ दिखाई दे रही है। Yeah.
ओके गाइस, ओके ओके ओके, सात चुके हैं और एट टीम्स के साथ यहाँ पर फोर्थ मैच देखने को मिल रहा है। इनमें से तीन टीमें हमारे साथ एलिमिनेट हुई हैं, नहीं हाँ इन फेमस हो चुकी है, एसएम हो चुकी है और आरसी एलिमिनेट हो चुकी है। अब देखते हैं गाइस, अभी फाइट तो होती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन टीमें करीब तो जरूर आ रही है यहाँ पर। नहीं यार, स्नाइपर आ चुके हैं और फ्लैश कह रहे हैं फाइनल में ये नोज वन से जाते हैं, पता नहीं कैसे हैं। ओके चलें गाइस, लेट्स सी, यहाँ पर करीब आ चुके हैं कार्टून नेटवर्क के प्लेयर्स। कार्टून नेटवर्क चार किल और चार के किंग के हाथ में है, चार के यहाँ पर किंग कटते दिखाई दिए। एक हेडशॉट लगाया इन्होंने और 800 डैमेज के साथ। फाइव जेंटलमैन यहाँ पर जीरो किल के साथ, टीआरजी की बात करते हैं, जीरो किल के साथ दिखाई दे रही है। जिनोन की बात करते हैं, बहुत अच्छी शुरुआत, चार किल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 5G मजे हमारे साथ मौजूद हैं, स्नाइपर को सपोर्ट कर रहे हैं। मलिक को डाउन किया गया, स्लेयर्स को नुकसान होता हुआ। कार्टून नेटवर्क वर्सेस गाइस टीम स्लेयर, कार्टून नेटवर्क वर्सेस टीम स्लेयर, कार्टून नेटवर्क के एक और सॉरी टीम स्लेयर के भी एक प्लेयर डाउन है। ओके डैमेज होते हुए उसी नेट किया जा रहा है रंजर के ऊपर नेट किया जाने वाला है और ये नेट का नुकसान हो सकता था। ओ भाई सामने वाले को गया है नुकसान और अरे भाई डाउन करेंगे गुहान को भी डैमेज, काफी डैमेज भाई। इधर से आना थोड़ा सा इनके लिए नुकसान दे हो सकता है, पीछे से और यार डैमेज, लेकिन आना पड़ेगा। अलोन को यहाँ पर डाउन कर सकते हैं, अपने प्लेयर्स को भी बचा सकते हैं। राजा को जाना पड़ेगा, जल्दी जाना पड़ेगा राजा को। अरे भाई नहीं यार, बहुत लेट कर दिया भैया, सच बता रहा हूँ बहुत लेट कर दिया राजा आपने, सीरियसली एक थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी चले जाते तो अपने प्लेयर को भी बचा लेते और सामने। अरे यार जहाँ पे हुजी उतरे हैं उतरते ही उन्होंने नुकसान उठा लिए और कार्टून नेटवर्क के रांझा हैं, गुहान हैं और बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं यहाँ पर कार्टून नेटवर्क की जाने, बल्कि चारों प्लेयर जिंदा है 8 किल के साथ मौजूद हैं। टीम स्लेयर फर्स्ट पुया के बाद अभी थोड़ा सा बिखरती हुई नजर आ रही है, राजा अकेले रह चुके हैं और राजा कितनी देर तक बच पाते हैं। नहीं, हुजी को भी उन्होंने रिवाइव कर दिया, राजा अब अकेले नहीं है और हुजी यहाँ पर जो है वो अपनी टीम के लिए थोड़ा सर्वाइव कर सकते हैं, थोड़ा बचा सकते हैं अपनी टीम को। और टोकन्स पड़े हैं यहाँ पर बैक साइड पर, अगर टोकन उठाकर यहाँ पर रिवाइव करने की कोशिश करेंगे तो बचा सकते हैं। नहीं, प्लेयर है यहाँ पर मौजूद, नेक का इस्तेमाल था यहाँ पर, राजा को पकड़ लिया गया है, राजा बच नहीं पाएंगे और बिल्कुल यहाँ पर डाउन कर दिए गए हैं। उजी यहाँ पर काफ़ी दूर उतरे हैं और आराम से अपनी टीम को यहाँ पर जो है वो बचाते हुए नजर आएंगे। मैप की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। ओके गाइस, यहाँ पर जो है हमारे साथ HOB नोटिस 2 किल के साथ मौजूद है और इनकी तरफ से भी देखना पड़ेगा क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। जस्ट एयर फॉर यूटो गुरु उसामे अब्दुल मोइस हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, वेलकम टू दिस टीम मोइस भैया। ओके गाइस, यहाँ पर डैमेज किया जा रहा है और आरएफ की बात करते हैं भाई बहुत ज़बरदस्त गेम प्ले यहाँ पर देखने को मिली है। अच्छे शॉट्स लगाए गए लेकिन यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं फाइव जेंटलमैन, यहाँ पर एलिमिनेट कर दी गई है। आरएफ की बात करते हैं तो रॉयल फोर्स हमारे साथ 4 किल के साथ मौजूद है। कार्टून नेटवर्क बहुत ब्रिलियंट गेम प्ले, गाइस गेम पलट दी एकदम से इन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर नुकसान में जा रहे थे स्लेयर्स के हाथों, उधर से गेम पलटना और गेम चेंज करते हुए नजर आना बहुत बड़ी चीज़ थी कार्टून नेटवर्क की तरह से। और अब यहाँ पर जो है हमारे साथ 9 किल के साथ मौजूद है और अगर यही परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली चलती रही कार्टून नेटवर्क की तरफ से तो भाई दूर नहीं है कि ये इस फाइनल के विनर बनते हैं और 15 US dollar अपने नाम करते हुए नजर आए। अरे 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 नोवा खुद को ही, अरे भैया क्या हो गया, अरे भैया खुद को ही मार लिया क्या? ओके भाई, इतने जज्बाती नहीं होना चाहिए किसी को यार, ये मुझे नहीं लगता कि सबको चलाना आता है। ये सब पकड़ तो देते हैं भाई, ये वाला गन और पता नहीं गन में कि हैंड कैनर सा कुछ भी है, लेकिन ये जो भी पकड़ लेते हैं भाई किसी को नहीं चलाना आता, सीरियसली खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। और जिस तरह उन्होंने टीम के तीन लगा के ना खुद को ही डैमेज दे दिया और डाउन हो गए, ये चीज़ देखने को मिली है। बाकी 6 किल के साथ मौजूद है, सॉरी 6 कह रहा हूँ 4 किल के साथ मौजूद है यहाँ पर अनटचेबल। गाइस बैक साइड से रॉयल फोर्स भी आ चुकी है, स्लेयर के हुजी यहाँ पर काफ़ी देर से होल्ड कर रहे हैं और ये लगाए अपनी टीम को ना सरवाइव करवा रहे हैं ताकि उनके पॉइंट्स यहाँ पर फिर से इंक्रीज हो सके। ओके
अच्छा अभी नोटिस की बात करते हैं, चारों प्लेयर्स हैं, दो किल के साथ हैं। आरएफ रॉयल फोर्स यहाँ पर 4 किल के साथ मौजूद हैं और 9 किल यहाँ पर कार्टून नेटवर्क के पास हैं। काफी डैमेज किया जा रहा है, गाइडी को यहाँ पर जो है वो लात कर दिया गया है। उजी को डैमेज देने की कोशिश की जा रही है, लेट्स सी कैसे यहाँ पर देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। आई ज्वाइन एचओबी, अरे भाई चलें गाइस 90 के साथ। तो यहाँ पर जो है ना कार्टून नेटवर्क तो भाई बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है। जिनोन की जैसे मैंने बात की थी, इनकी शुरुआत अच्छी हुई थी, इन्होंने इनफेमस ई स्पोर्ट जैसी टीम को एलिमिनेट किया था। अब यहाँ पर इनका भूया आना जरूर बनता है यार। और अच्छा भी नोटिस एलिमिनेट होने के लिए और प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है स्लेयर्स के लिए। जिनोन के ऊपर अटैक आ रहा है एचओबी नोटिस का, लेकिन वो सब प्लेयर्स जोन के अंदर मौजूद हैं। जोन से आना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो सकता है जिनोन के लिए, और बैक साइड से भी जिनोन को डैमेज आ रहा है, लेकिन कार्टून नेटवर्क के पास पूजा करने के चांसेस हैं। रॉयल फोर्स यहाँ पर मौजूद है और यार एचओबी नोटिस यहाँ पर एलिमेंट हो सकती है भाई। करीब जाकर क्या ही डाउन किया गाइस, क्या ही डाउन किया है। अपना किल पूरा करेंगे क्या, अपना किल पूरा करने के चक्रों में है, लेकिन नहीं गाइस एचओबी नोटिस भी यहाँ पर एलिमिनेट कर दी गई है। जिनोन दोबारा से अपने प्लेयर्स को हील और रिवाइव करती हुई नजर आने वाली है। 3 टीमें रह चुकी हैं, कार्टून नेटवर्क हैं, अनटचेबल भी ने भी इस बार काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट लाए हैं, 5 किल के साथ मौजूद हैं, टीम को एलिमिनेट भी किया है यहाँ पर, लेकिन भूया यहाँ पर ज़्यादा निकालने के चांसेस हैं कार्टून नेटवर्क के पास। 10 किल हैं यहाँ पर और कार्टून नेटवर्क यहाँ पर भूया निकाल सकती है। अगर जिसने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से कर लें, 100 लाइक्स का टारगेट एम है और 42 और 46 तक लाइक्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर जल्दी से लाइक बटन दबाएं, ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं है। कार्टून नेटवर्क के भाई किंग को ख़त्म कर दिया गया और ये नुकसान जो है वो बड़ा नुकसान है, क्योंकि अब यहाँ पर कार्टून नेटवर्क जो है वो जिनोन को क्या एलिमिनेट कर पाई, क्योंकि 4 प्लेयर्स हैं उनके पास, मैन एडवांटेज है, और जबकि टीम कार्टून नेटवर्क के पास एडवांटेज नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ा जा रहे हैं, अनटचेबल भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जिनोन को आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि जोन इनके पास नहीं है। यहाँ पर जोन है तो यहाँ पर कार्टून नेटवर्क के पास है और अनटचेबल यहाँ पर एलिमिनेट होने के करीब, और यहाँ पर जो है वो ठाकुर नहीं बच पाएगा, यहाँ पर ठाकुर को भी एलिमिनेट कर दिया गया। यहाँ पर 2 ही टीमें बाकी हैं, और जिनोन के बारे में जैसे मैंने कहा था कि अगर उन्होंने फेमस को एलिमिनेट किया है, बुया करने वाली टीम को एलिमिनेट किया है, तो यहाँ पर अब इनके चांसेस बुया के बन सकते हैं और वो करीब हैं उस बुया के, लेकिन क्या कार्टून नेटवर्क को आसान है यहाँ पर एलिमिनेट कर पाना, ये जरूर देखना पड़ेगा। और यो करीब आने की कोशिश करेंगे, तीनों प्लेयर्स एक साथ मौजूद हैं, राजा भी यहाँ पर मौजूद हैं, गोहान थोड़ा सा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, ओरियो ने थोड़ा सा गलत फैसला किया, अकेले 2 बंदों में जा रहे हैं, लेकिन अगर नेडिंग अच्छी आती है, बैक साइड से कवर अच्छा आता है, तो यहाँ पर वो इजीली डाउन भी कर सकते हैं और अपने प्लेयर्स को फायदा भी दिलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिनोन के बाकी प्लेयर कहाँ पर बिजी हैं, वो रांझा पे अटैक कर रहे हैं जबकि उनको इधर अटैक करना चाहिए जहाँ पर उनका प्लेयर लड़ रहा है, ये बड़ी गलत सी चीज़ देखने को मिली है। लेकिन खैर उन्होंने रांझा को तो पकड़ ही लिया है, 3 बंदे अब लगे हुए हैं तो कुछ तो करेंगे। यहाँ पर रांझा को पकड़ लिया गया है, ग्लूवा लग नहीं रही, यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ग्लू मेल्टर यूज़ किए जा रहे हैं, और उमेर आ चुके हैं, खतरनाक प्लेयर है यहाँ पर जिनोन की जानिब से, बहुत तगड़ी गेम प्ले, लास्ट प्लेयर एंड गाइस यहाँ पे कार्टून नेटवर्क को खत्म किया। कोई बात हुई जो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में इस मैच पे बोल दी थी कि इनफेमस को एलिमिनेट किया तो यहाँ पर जिनोन का बुया करना बनता है। 4th मैच और 4th डिफरेंट टीम का बुया हमें दिखाई देगा, वजील यहाँ पर जो है हमें दिखाई दे रही है, MVP में अपनी टीम में से सबसे बेहतरीन प्लेयर दिखाई देंगे जिनोन ईस्पोर्ट की जानिब से। 10 किल 22 पॉइंट्स और 13 किल के साथ 22 पॉइंट के साथ ही मौजूद है कार्टून नेटवर्क, और 3rd पे हमें 6 किल और 14 पॉइंट के साथ अनटचेबल देखने को मिलेगी, जिनका कमबैक जरूर आया है। एचओबी नोटिस का भी कमबैक आया है, यहाँ पर 9 पॉइंट के साथ 4th पे मौजूद है, रॉयल फोर्स 11 पॉइंट के साथ, स्लेयर्स 9 पॉइंट के साथ, रॉयल गार्डियन 5 पॉइंट्स एंड 5 जेंटलमैन 4 पॉइंट्स, और हिस्ट्री मेकर जो कि पिछले मैच में बहुत अच्छा खेली थी 5 पॉइंट के साथ हैं, रिवेंजर्स के 2 पॉइंट्स, और इनफेमस का बहुत बुरा मैच जाता हुआ नजर आया ये वाला। लेकिन खैर यहाँ पर हम सेकंड लास्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे साथ रहने वाला है बरमूडा मैप, और बरमूडा मैप में यहाँ पर काफ़ी दफ़ा देखा है कि टीमें काफ़ी दफ़ा जो है वो बैड पैच में भी जाती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो जिन टीम्स को कमबैक की ज़रूरत होती है वो कमबैक हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बरमूडा मैप स्टार्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि उनकी तरफ से क्या परफॉर्मेंस रहती है।
ओके गाइस, हमारे साथ तो फोर्थ मैप बरमूडा मैप रहेगा और देखेंगे इस कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ लेते हैं यहाँ पर। और स्नाइपर कह रहे हैं कार्टोनेट का बुया लग रहा है लेकिन नहीं हो पाया भाई, तेरे से पहले का रहा था हेटर ना अच्छा गुरु। ऐसे अभी कार्मा वीक थ्री होगा नहीं ब्रो, अब इन्हीं के ग्रुप स्टेज स्टार्ट हो जाएंगे। जो वीक वन हुआ था उसमें से टॉप 9 टीम्स, और अब जो वीक टू हो रहा है इनमें से टॉप 9 टीम्स जो कि फाइनल में टॉप 9 बनेगी, उन 18 टीमों का जो है वो ग्रुप स्टेजेस होंगे और उसका फाइनल होगा, और उसमें $300 का जो प्राइज पूल है वो देखने को मिलेगा। ओके गाइस, यहाँ पर एचओबी प्रिंस हेयर यहाँ पर कह रहे हैं ओके गाइस, यहाँ पर जल्दी जल्दी से अगला मैच जो है वो बरमूडा मैप कर दिया गया स्टार्ट, और ताकि आप लोग जल्दी जल्दी से सेकेंड लास्ट मैच को भी इंजॉय कर सकें और देख सकें कि क्या होता है यहाँ पर सेकेंड लास्ट मैच में और बरमूडा मैच कितना बढ़िया। ओके गाइस, बरमूडा मैप पे आ चुके हैं। गाइस मैप की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, क्या क्लैश लैंडिंग होगी यहाँ पर? हमारे साथ फिफ्थ मैच स्टार्ट हो चुका है और आरएफ एंड हमारे साथ जो के एचओबी नोटिस है उनकी फाइट फिर से यहाँ पर देखने को मिल सकती है, दोनों करीब उतरती हुई नजर आ रही हैं और ये देखते हैं गाइस ये फाइट कैसी रहने वाली है यहाँ पर। रॉयल फोर्स वर्सेस गाइस यहां पर दिखाई देने वाली है हमें फाइट एचओबी नोटिस के दरमियान। $400 बनते हैं पाकिस्तान के, ऑलमोस्ट 225 का $1 है, तो अब अंदाज़ा लगाएं 225 को मल्टीप्लाई करें 400 पे तो आंसर जो आएगा मुझे बताइएगा। चलें गाइस यहाँ पर आरएफ देखते हैं गाइस, एक बंदा यहाँ पर मौजूद है। अरे अरे आरएफ के बंदे, अच्छा एक बंदे को ख़त्म किया गया। अच्छा ये स्नोपडॉग को भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि तीन बंदे अटैक कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन इनके पास M10 है भाई, एक बंदे को तो पकड़ा तो भैया बड़ा खतरनाक पकड़ेंगे यहाँ पर। ओ हेडशॉट जड भैया के, क्या बात है यहाँ पर। एच ओ बी नोटिस भाई अब के लीडरशिप में भी आ चुकी है, मतलब इनके लिए आरएफ का यहाँ पर आकर इनको ख़त्म करना बड़ा जो है ना वो आसान नहीं है, और लीडर भी यहाँ पर थोड़ा दूर घूम रहे हैं। और अब देख लेते हैं एच एम की बात करते हैं, वो भी फाइट में इन्वॉल्व है, एक प्लेयर का नुकसान उठा चुके हैं टीम नंबर 9 के हाथों। कार्टून नेटवर्क यहाँ पर 0 किल के साथ मौजूद है, सेकंड लास्ट मैच इनके लिए इतना अच्छा रहता है ये देखना पड़ेगा। ओके ओके गाइस, यहाँ पर हमारे साथ टीआरजी भी मौजूद हैं और लेट्स सी कि इनकी तरफ से क्या परफॉर्मेंस रहती है। नॉन स्पोर्ट 0 किल के साथ मौजूद है यहाँ पर, आरसी की बात करते हैं 0 किल के साथ, अनटचेबल 1 किल के साथ, स्लेयर्स 1 किल के साथ मौजूद है, और एचओबी नोटिस यहाँ पर अच्छी शुरुआत देती हुई नजर आई है, 2 किल के साथ हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर।
Hey guys, यहाँ पर एंटी की बात करते हैं, दो किल के साथ मौजूद है और आरएफ यहाँ पर जीरो किल के साथ मौजूद है। एचएम की बात करते हैं, हिस्ट्री मेकर्स यहाँ पर एक किल करने में कामयाब हुए हैं और शुरुआत एक अच्छी मिली है यहाँ पर एचएम को। और देखते हैं गाइस कितना अच्छा यहाँ पर जो है वो गेम प्ले करती हुई नजर आती है एचएम पार्टनर नेटवर्क। यहाँ पर इनफेमस की बात करते हैं, जीरो किल के साथ मौजूद है और फाइव जेंटलमैन यहाँ पर भी जीरो किल के साथ मौजूद है। मैप की तरफ बढ़ते हैं तो फायर भी यहाँ पर देख लेते हैं किस जाने के लिए। डॉलर है भाई, 250 का डॉलर है, 225 का नहीं था, चलो शायद 225 है यार। ओके ये फाइट हो सकती है, ये फाइट हो सकती है जिस जगह पे आए हैं, आते ही फाइट में इन्वॉल्व हो चुके हैं। फेमस स्पॉट वर्सेस गाइस यहां पर एचओबी नोटिस नुकसान में जा सकती है और दो बंदे यहाँ पर गुज्जर रह चुके हैं और हिटमैन रह चुके हैं। नेट किए जा रहे हैं और नाइस, वेरी वेल प्लेड गाइस। ये यहाँ पर गेम चेंज हो सकती है और जीनियस को फिर से डाउन कर दिया गया। नेट अच्छा गया है यहाँ पर, बहुत अच्छा गया है यहाँ पर। लेट्स सी गुज्जर क्या करते हैं यहाँ पर, गुज्जर देखते हैं गाइस क्या करते हैं। पीछे से आ गया भाई बंदा, पूरे करने के चक्करों में पूरे भी हो सकते हो। हिटमैन डाउन और गाइस इन फेमस स्पॉट अगेन सेकंड मैच में बैड पैच में जाती हुई, इससे पिछले मैच में भी सबसे पहले हुई है एलिमिनेट और अब भी हुई है एलिमिनेट। मुझे लगता है इनको बुआ रास नहीं आई, एक मैच में इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस और बुआ निकालने के बाद इन फेमस स्पॉट यहाँ पर सेकंड टाइम हमारे साथ सबसे पहले एलिमिनेट होती हुई यहाँ पर ख्वाब अधूरे होते हुए दिखाई देंगे इनकी जानिब से। बहुत ज्यादा नुकसान गाइस यहाँ पर हिस्ट्री मेकर्स ने जरूर अच्छा खेला है, 5 किल निकाले हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है। कार्टून नेटवर्क 0 किल के साथ मौजूद है और 5 जेंटलमैन भी आगे बढ़ रही है, उसके साथ टीआरजी है हमारे साथ, ज़िनॉन ई-स्पोर्ट्स 0 किल के साथ है, आरसी की बात करेंगे 0 किल और अनटचेबल 1 किल के साथ देखने को मिली है, सीएस भी 1 किल के साथ मौजूद है और 5G का क्या हुआ, फेक 5G। लाइक बढ़ा दे गाइस, जल्दी जल्दी से लाइक कर दें, लाइक कितने हो चुके हैं जरूर देखते हैं गाइस यहां पर कितने लाइक कर दिए आप लोगों ने, 52 लाइक्स कर दिए गाइस, 100 लाइक्स का टारगेट है, मैं करवाओ यार जल्दी जल्दी से। ओके गाइस यहां पर फाइट हो सकती है। क्यों तुमने स्ट्रीम स्नाइप करनी है, नैने कह रहे हैं जोन दिखाओ, स्ट्रीम स्नाइप नहीं करनी ब्रो। बाइक को डिस्ट्रॉय किया गया, आरसी के प्लेयर को बाइक को डिस्ट्रॉय किया गया, डैमेज जाता हुआ लेकिन नहीं डाउन नहीं कर पाया यहाँ पर। ज़िनॉन के प्लेयर्स यहाँ पर डैमेज तो देने में बहुत कामयाब हुए लेकिन नहीं, ब्लेडी भी यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं आरसी की जानिब से और अनटचेबल के सिर्फ किलर रह चुके हैं अकेले। प्लेयर्स यहाँ पर जोन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एक किल के साथ मौजूद है टीम। ओ भाई 5 किल, जट भैया क्या खैर है क्या खा लिया भाई। एचओबी नोटिस 5 किल के साथ मौजूद है और ग्रेवयार्ड की जानिब मौजूद दिखाई दे रही है हमें। किलर को शॉट लगा यहाँ पर, yeah.
क्या फाइट चल रही है, हिस्ट्री मेकर्स वर्सेस एचओबी नोटिस और एचओबी नोटिस खत्म। भाई हिस्ट्री मेकर्स ना क्या गेम प्ले कर रहे हैं, लास्ट मैचेस चल रहे हैं और लास्ट मैचेस में क्या इनकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। अभी यहाँ पर जो है वो टीम इनफेमस ईस्पोर्ट का एलिमिनेट किया और अब यहाँ पर टीम एचओबी नोटिस को भी कर दिया, जो कि अभी तक अच्छा खेल रही थी। एचओबी नोटिस अभी तक अच्छा खेल रही थी, उन्हीं को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। आरएफ की बात करेंगे, उनका एक प्लेयर यहाँ पर आता हुआ और आरएफ का ये लास्ट प्लेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी फाइट हो चुकी है स्टार्ट। यहाँ पर टीआरपी ओके टीआरजी सॉरी यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर फाइट ले ली है फाइजी के साथ। और लास्ट बंदा है भाई यहाँ पर, लास्ट बंदा लेकिन क्या हेडशॉट लगा रहा है ये बंदा, पैंथर भैया नेड आ गया है लेकिन डैमेज मिल चुका है यहाँ पर और किल भी मिल चुका है, 3 किल हो चुके हैं भाई। क्वाड्रा किल करने वाला है और वो स्क्वाड भी कौन सा रहने वाला है, 5G का। यहाँ पर 5 जेंटलमैन को क्वाड्रा में खत्म करने वाला है ये बंदा, भाई ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, लिटरली ब्रिलियंट। थोड़ा सा हील कर सकते हैं, 11 मेडिकेट्स हैं लेकिन नहीं, कोई ख्याल ही नहीं है भाई यहाँ पर मेडिकेट लगाने का। और 5 जेंटलमैन की जाने से यहाँ पर एलिमिनेट किया जाएगा, 3 बंदों को खत्म करना जज्बाती हो गया और फिर उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो देखने को जरूर मिला। जिनोन को स्पॉट आ रही है, जिनोन की 5 जेंटलमैन के प्लेयर यहाँ पर अपने प्लेयर्स को रिवाइव करने के लिए आगे बढ़ने, लेकिन वहां पर टीम है भैया, सामने देखो टीम है। अगर उन्होंने देख लिया तो भाई ये मुश्किल में पड़ने वाले हैं, लेकिन अगर ये पहुंच गए तो भाई अपने सारे बंदों को बचा लेंगे, ये अच्छा होने वाला है कि यहाँ पर अपने सारे बंदों को बचा लेंगे। जिनोन अभी 1 किल के साथ मौजूद है, आरसी 0 किल के साथ मौजूद है, सारों को बचा लिया भाई उन्होंने, सारों को बचा लिया, सारे बंदे दोबारा से वापस आते हुए नजर आने वाले हैं। इस जोन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैप में देख लेते हैं कि टीमें कहाँ पर आ चुकी हैं और यहाँ पे फाइट चल रही है। यहाँ पर टीम प्लेयर्स वर्सेस कार्टून नेटवर्क, टीम प्लेयर्स कार्टून नेटवर्क, ये फाइट हम लोगों को 3rd दफा देखने को मिल रही है जिसमें कार्टून नेटवर्क को ज्यादा फायदा होता है और इस बार भी इन्हीं को फायदा हो रहा है। भाई रिवाइव कर रहे हैं, क्या बात है, लेकिन अरे भाई राजा जी यहाँ पर बहुत जबरदस्त खेल गए, बचा भी लिया, 2 बंदों को भी चिपका दिया और अब मुझे लग रहा है अरे यार राजा को नहीं जाना चाहिए था, हम मलिक अकेले रह गए और टीम स्लेयर्स एलिमिनेट होने के करीब आ सकती है। आरएफ भी आ गई है भाई यहाँ पर, ओ टीम स्लेयर्स को किया खत्म यहाँ पर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कार्टून नेटवर्क 3 बंदों के साथ मौजूद है, कार्टून नेटवर्क के अलोन को डाउन किया गया है, आरसी वर्सेस गाइस कार्टून नेटवर्क, एक प्लेयर को डाउन किया गया है, राजा दूसरे को भी डाउन करेंगे, अच्छे शॉट लगा रहे हैं, बहुत अच्छे शॉट लगा रहे हैं, लास्ट प्लेयर राजा और ये नहीं गाइस यहाँ पर स्कैरी तो बाज ही नहीं आ रहे भाई, स्कैरी यहाँ पर खत्म करेंगे टीम कार्टून नेटवर्क को भी। और यहाँ पर रॉयल फोर्स 7 किल के साथ फाइनली वो टीमें जो अभी तक बैड पैच में जा रही थी वो वापस आती हुई नजर आने वाली हैं और तरह से गेम प्ले काफी अच्छी चल चुकी है। हिस्ट्री मेकर 10 किल के साथ मौजूद है, ओके बाय बाय, 5 जेंटलमैन भी खत्म कर दी गई है, जिनोन ईस्पोर्ट 5 किल के साथ मौजूद है। और कास्टी की बात करेंगे वो भी अभी 0 किल, भाई क्या कुछ कर ले ना, यहाँ पर रेंजर्स क्रिएट जो है ना अभी तक कोई किल ही नहीं कर रहे यार, अभी भी नहीं करोगे तो कब करोगे, इसके बाद लास्ट मैच है और इससे पहले कुछ ना कुछ कर लो यार। बट देखते हैं क्या सीन रहने वाला है, ब्लडी यहाँ पर मौजूद है और जैसे परफॉर्मेंस कैसी देने वाली है, अनटचेबल 1 किल के साथ मौजूद है, आरएफ की बात करते हैं 7 किल के साथ देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ एचएमबी आ चुकी है जो कि हिस्ट्री मेकर से 11 किल के साथ मौजूद है, जिनोन 5 किल के साथ मौजूद है, आरसी यहाँ पर 0 किल के साथ देखने को मिल रही है, 1 किल यहाँ पर रहने वाले इनकी जानिब से। और लेट्स सी गाइस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लास्ट सिचुएशन चल रही है इस मैच की और सेकेंड लास्ट मैच रहने वाला है और उसके बाद लास्ट मैच होगा और देखेंगे गाइस उस मैच में कौन सी टीम बाजी लेकर जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए सेकेंड लास्ट मैच की बाजी किसके नाम जाने वाली है, कहीं ना कहीं जिनोन हो सकती है वो टीम जो कि यहाँ पर बाजी लेकर जाए, क्योंकि लास्ट मैच का बुया भी निकाला है और ये बुया निकाला तो लास्ट मैच इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा गाइस, सारे के सारे बंदे जिन्होंने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया। डैमेज दिया जा रहा है गाइस, यहां पर डैमेज दिया जा रहा है, काफी ज्यादा खतरनाक डैमेज दिया जा रहा है, ये गाइस ओ बाइक को डिस्ट्रॉय किया, कहां पे किया, आरएफ के अहमद भैया कहां जाना चाह रहे थे, जोन से बाहर ही चले गए और ये किल मिल जाएगा आराम से इनको, एक और किल मिलता हुआ आरएफ के प्लेयर्स काफी नुकसान में। जिनोन भाई बैक टू बैक भुया लेके जाने वाली है क्या, आरसी यहाँ पर फाइट ले रही है, लेकिन हिस्ट्री मेकर्स ने आज जो खेला है ना वो बहुत एंड खेला है, 7 किल इनके हैं लेकिन हिस्ट्री मेकर्स की किल्स देखने वाले हैं, 11 किल लेकिन हिस्ट्री मेकर्स नुकसान में क्यों जा रही है भाई यहाँ पर, अरे डाउन कर दिया वेरी वेल प्लेड और डाउन खुद भी हो गए हैं, जीनियस अकेले रह चुके हैं, जीनियस यहाँ पर खत्म करेंगे, रेंजर्स क्रीज एलिमिनेट हो चुकी है, यहाँ पर रिवाइव किया जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पर रिवाइव किया जा रहा है और
बचा लिया जाएगा, बड़े आराम से बचा लिया जाएगा। फौजी का किल किसी को चला जाएगा, मुझे लग रहा है वो कवर में है और बचा लिया जाएगा क्या? बिल्कुल, हिस्ट्री मेकर 13 किल के साथ मौजूद हैं। जिनोन आ चुकी है, जिनोन के नेट यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री मेकर्स को जिंदा रहने देंगे ज्यादा देर तक। हिस्ट्री मेकर्स को यहाँ से गेम, ओह एक प्लेयर डाउन, सेकेंड प्लेयर भी डाउन, एंड लास्ट प्लेयर भी डाउन। एंड गाइस यहाँ पर फिर से बैक टू बैक सेकेंड बुआ आएगी जिनोन ईस्पोर्ट के नाम और मैर एमवीपी दिखाई देंगे 5 किल के साथ। जिनोन ईस्पोर्ट वेरी वेल प्लेड गाइस, सेकेंड लास्ट मैच को भी खूबसूरत बनाया और इसी के साथ ये टीम बार बार अच्छा खेल रही है। तो मतलब यहाँ पर जो टीमें स्टार्टिंग में अच्छा खेल के गई हैं उनके लिए यहाँ पर जवाबी हमले कर रही है। बहुत अच्छा बुआ, 12 किल 24 पॉइंट्स 13 किल के साथ। हिस्ट्री मेकर्स भी बड़ी दावेदार हो सकती है इस फाइनल के जीतने का और 22 पॉइंट के साथ दिखाई देगी यहाँ पर, और 13 किल के 3 किल्स और 11 पॉइंट के साथ हमारे साथ अनटचेबल मौजूद है। और अगर बात करते हैं एडवेंजर्स की, 8 पॉइंट के साथ रॉयल फोर्स, 13 पॉइंट के साथ 5 जेंटलमैन, 8 पॉइंट्स कार्टून नेटवर्क, 7 पॉइंट्स और स्लेयर्स 5 पॉइंट्स, रॉयल गार्डियन 5 पॉइंट्स, नोटिस एचओबी 6 पॉइंट, इनफेमस ईस्पोर्ट 2 पॉइंट के साथ दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर। और अगर बात करते हैं आज के लास्ट मैच की, लास्ट मैच कलाहारी मैप, और अगर ये हैट्रिक आती है जिनोन ईस्पोर्ट की बुआ की लास्ट मैच में तो उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा इसके फाइनल को जीतने के लिए। क्योंकि यार क्या खूबसूरत बुआ आई है यहाँ पर, दो मैचेस में क्या ही खूबसूरत बुआ आई है। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही थी, लेकिन अब बहुत अच्छी बुआ यहाँ पर निकाल कर टीम जिनोन ईस्पोर्ट ने हर चीज़ को बदल के रख दिया यहाँ पर। वेरी वेल प्लेड गाइस, वेरी वेल प्लेड जिनोन ईस्पोर्ट की जान। ओके गाइस, अगले मैच और लास्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं। दो बुआ जिनोन ईस्पोर्ट के नाम, और उसके बाद जिनोन ईस्पोर्ट की जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया उन्हें, और साथ ही साथ उनके चांसेस भी बढ़ गए हैं यहाँ पर चैंपियन बनने के और आज के $50 को अपने नाम करने के। तो लेकिन यहाँ पर हम कलहारी मैप की तरफ चले जाते हैं और आज के लास्ट मैच को दिखाते हैं। यहीं से कहानी शुरू की थी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की, और यहीं पर यहाँ पर देखने क्या यूटोबाई की आले ठीक हो ना पैंथर एफ एफ पार्क में, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं ब्रो? जिनोन लव है यार, जिनोन वाकई में एंड कर गई यार, मतलब अभी तक लग नहीं रहा था जिनोन की तरफ से वो परफॉर्मेंस, लेकिन जिनोन ने अब जो परफॉर्मेंस निकाली है वो बहुत एंड लेवल की निकाली है। अब आ चुके हैं गाइस यहाँ पर, देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। यहाँ पर जिनोन भी हमें दिखाई दे रही है, दूसरी जानी पर कॉन्टिनेंट अभी क्लैश लैंडिंग में सिर्फ हमारे साथ अनटचेबल और 5G देखने को मिल रही है। अनटचेबल और 5G की यहाँ पर जो फाइट देखने को मिल सकती है। नाइस गाइस, यहाँ पे फाइट हो चुकी है, एक किल करने में कामयाब भी हो चुकी है यहाँ पर टीम 5G, 5 जेंटलमैन यहाँ पर पहला किल करने में कामयाब, दूसरा किल करने में भी कामयाब, और अब टीम भाग रही है यहाँ पर। ओ नाइस गाइस, बहुत तगड़े डैमेज दिया है इस बंदे ने यहाँ पर, साथ नीचे गिर के खुद ही ना डाउन हो जाना। पीछा करेंगे और एक ठाकुर यहाँ पर मौजूद है, ठाकुर यहाँ पर अनटचेबल के, और अनटचेबल सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली टीम हो सकती है यहाँ पर, सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली टीम हो सकती है यहाँ पर। कुछ भी नहीं है भाई इनके पास कुछ भी नहीं है, मुक्के मार रहे हैं लेकिन नहीं, किल इनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन टीम किल करने में कामयाब होंगे। और पीछा किया जा रहा था लेकिन नहीं, अभी यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आने वाला, मेरा ख्याल है कि वो यहाँ से निकल चुके हैं और बच जाएंगे, सैफ बच जाएंगे यहाँ पर, खुद को हील भी कर रहे हैं साथ ही साथ में। दूसरी जानिब गाइस एचओबी नोटिस की भी फाइट चल रही है और यहाँ पर फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं, डैमेज आता हुआ चांद फिर से यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और जट भैया यहाँ पर रह चुके हैं। लास्ट टाइम इस प्लेयर ने बड़ी प्यारी गेम की थी, लेकिन नहीं, आरएफ ने लिया है बदला यहाँ पर एचओबी नोटिस से लास्ट मैच में।
फाइनली यहाँ पर जो है वो रॉयल फोर्स HOP का जो है नोटिस को एलिमिनेट करने में कामयाब हुई है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर जो है शुरुआत मिलेगी RF को। लेकिन बात करेंगे हिस्ट्री मेकर्स के पास चांस है यहाँ पर इस फाइनल को विन करने का, कार्टून नेटवर्क के पास चांस है इस फाइनल को विन करने का, इन फेमस के पास भी चांस है इस फाइनल को विन करने का। और उसके साथ साथ बात करते हैं तो ज़िनॉन ईस्पोर्ट बैक टू बैक दो भूया, अभी तक भूया रिपीट नहीं हुई थी और अब फाइनली ज़िनॉन ईस्पोर्ट ने लगातार भूया दो करके एक तो रिपीट भी कर दी और अब हैट्रिक करने के भी चांसेस हैं यहाँ पर ज़िनॉन ईस्पोर्ट के पास। एग्जैक्टली आपका क्लच मिस हो गया ब्रो, आप कर सकते थे लेकिन आपको पहले हील करना चाहिए था। चांद HOP जितवा देगा हर दफा की तरह कम रह। चलें गाइस ज़िनॉन को भी यहाँ पर दिखा चुके हैं और लेट्स सी कि गाइस आज के लास्ट मैच में क्या सीन रहने वाला है और किसकी भूया आने वाली है यहाँ पर। ओके गाइस ब्लडी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और देखते हैं गाइस यहाँ पर ब्लडी की तरफ से क्या परफॉर्मेंस रहती है। टीम RC हमारे साथ जीरो टीम के साथ मौजूद है और TRG की फाइट हो चुकी है फेमस ईस्पोर्ट के साथ। ओके गाइस फाइट काफी क्लोज रहती हुई नजर आ रही है, जानलेवा पूरा यहाँ पर करीब आते हुए लेकिन एक प्लेयर दो प्लेयर तीन प्लेयर्स और गाइस यहाँ पर, अरे भाई पैंथर फिर से शुरुआत, पैंथर की फिर से तगड़ी शुरुआत, यहाँ पर एक किल किया और यहाँ से निकल रहे हैं। यार बचा सकते थे वैसे नोवा को, नहीं यहाँ पर थोड़ा दूर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बचने की कोशिश करेंगे। यही बंदा है भाई इनकी तरफ से, यही बंदा है जो अच्छा खेल रहा है यहाँ पर पैंथर, जो कि हमें दिखाई दे रहा है TRG की जानिब से। बहुत ब्रिलियंट गेम प्ले गाइस TRG के पैंथर की दिखाई दे रही है। ओके गाइस यहाँ से थोड़ा निकलते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि अपने तीन प्लेयर्स खो चुके हैं और ये फेमस ईस्पोर्ट इन्हीं का पीछा करते हुए दिखाई दे रही है तो दो मैचेस खराब जाने के बाद। अब यहाँ पर शुरुआत है लेकिन स्पोर्ट कर लिया गया शायद। ओह देख लिया भाई देख लिया, क्या कुछ कर पाएंगे, ग्लू वॉल भी नहीं है भाई इनके पास, इनके पास ग्लू वॉल भी नहीं है। ओके अच्छे शॉट लेकिन नहीं 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 नहीं, रॉयल गार्डियन एलिमिनेट हो जाएगी। पैंथर ने कोशिश तो की लेकिन नहीं, इन फेमस ईस्पोर्ट इस बार लास्ट मैच में फिर से कमबैक करती है और तगड़ी गेम प्ले करती नजर आने वाली है। एक भूया जरूर की थी इन्होंने, अब देखना पड़ेगा। लेकिन क्या बात है फाइव जेंटलमैन भाई, बहुत अच्छी शुरुआत है इनकी जानिब से और इनकी फाइट हो चुकी है, इनकी फाइट हो चुकी है स्टार्ट और ऊपर से आ चुकी है स्लेयर वर्सेस गाइस यहां पर फाइव जेंटलमैन। अब ये फाइट बहुत मजे की रहने वाली है, होप को यहाँ पर डाउन कर दिया गया है। स्लेयर्स बहुत तगड़ी टीम है, पहली भूया भी निकाली थी और अब यहाँ पर कमबैक भी इनकी तरफ से देखने को मिल सकता है। अब देखना पड़ेगा फाइव जेंटलमैन यहाँ पर निकलने की कोशिश जरूर करेगी, साथ रह चुके हैं और देखते गए यहाँ पर करीब आते हुए साथ के साथ ने डैमेज जरूर दिया, यहाँ पर रिवाइव ना कर ले। मलिक भैया वहाँ पे पहुंच चुके हैं, एक और प्लेयर को डाउन किया, अब साथ अकेले बचे हैं और फाइव जेंटलमैन भी एलिमिनेट कर दी गई है आज के लास्ट मैच में। टीम स्लेयर्स यहाँ पर अपने किल्स बटोरती हुई नजर आएगी, चार किल के साथ टीम को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। टीम RC को दिखा देंगे, RC की तरफ चले जाते हैं। अच्छी शुरुआत दी थी यहाँ पर टीम्स की तरफ से लेकिन RC अभी तक जीरो किल के साथ मौजूद है और भी होल्ड करती हुई नजर आ रही है। जीरो किल के साथ है यहाँ पर, चार किल के साथ यहाँ पर प्लेयर मौजूद है। फाइव जेंटलमैन अच्छा खेली थी लेकिन भाई जाते जाते ब्रो अकेला बंदा क्या करे। एग्जैक्टली यार अकेला बंदा क्या ही कर सकता है, पूरी टीम अप जो है टीम वर्क की जरूरत पड़ती है एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, अकेला बंदा वाकई में क्या कर सकता है। सेवन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं टीम्स और 28 प्लेयर्स रह चुके हैं और आज का लास्ट मैच चलता हुआ नजर आ रहा है।
पता चल गया गाइस कि आज के दिन में कौन चैंपियन बनता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि कौन किस बन किस टीम के चैंपियन बनने के चांसेस हैं यहाँ पर। गाइस एक जगह फाइट होने वाली है, यहाँ पर देख लेते हैं कार्टून नेटवर्क वर्सेस गाइस यहाँ पर आरसी के दरमियान फाइट है, आरसी वर्सेस कार्टून नेटवर्क गाइस यहाँ पर देखने को मिल सकती है फाइट हमें, और देखते हैं गाइस यहाँ पर क्या फाइट रहने वाली है। थोड़ा सा रोटेशन ली जा रही है कार्टून नेटवर्क की जानिब से, बहुत अच्छी गेम प्ले की है कार्टून नेटवर्क की टीम ने ऑल ओवर, और अब देखते हैं गाइस यहाँ पर लास्ट मैच में इन्फेमस क्या रहती है। इन्फेमस के पिछले दो मैचेस बड़े जो है वो ज़ाया जाते हुए नज़र आए हैं, लेकिन ज़ेनॉन के उतने ही अच्छे गए हैं क्योंकि उन्होंने दो बुइया निकाली हैं पिछले दो मैचेस में और उनके पास हैट्रिक के चांसेस भी हैं, लेकिन इस बार सारी टीमें मौजूद हैं, टीम स्लेयर भी मौजूद है, कार्टून नेटवर्क भी मौजूद है, इन्फेमस भी मौजूद है, तो इतना आसान नहीं रहेगा यहाँ पर टीम यहाँ पर हिस्ट्री मेकर भी मौजूद है, तो इतना आसान नहीं रहेगा यहाँ पर ज़ेनॉन का बुइया निकाल पाना और हैट्रिक कर पाना वो भी लास्ट मैच में। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर लास्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इनके लिए और देखते हैं कितने अच्छे से वो ये मैच जो है वो अच्छे से खेलते हुए नज़र आते हैं। अभी पहला जोन ख़त्म होने के करीब है और दो टीमें हमारे साथ एच ओ बी नोटिस और टीम टी आर जी जो कि हमारे साथ हैं टीम रॉयल गार्डियन, वो ख़त्म हो चुकी हैं दोनों टीमें, उसके साथ साथ अनस्टॉपेबल और फाइव जी जो कि फाइव जेंटलमैन है वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, तो चार टीमें हमारे साथ हो चुकी हैं जिनमें से बस बाकी टीमों की बात करते हैं। फेमस है कार्टून नेटवर्क है, एच एम है जो कि हिस्ट्री मेकर्स हैं, और आर एफ की बात करते हैं तो ये टीम अभी तक जो है भूया तो कोई निकालने में कामयाब नहीं है, लेकिन स्पोर्ट भी हमने देखे हैं कि काफ़ी यहाँ पे फाइट हो चुकी है स्टार्ट, स्टेयर्स के साथ फाइट स्टार्ट हो चुकी है, फाइव किल के साथ, फाइव किल के साथ उजी को यहाँ पर रिवाइव किया जाएगा, उजी को यहाँ पर बचा लिया जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर पांच किल के साथ क्लियर दिखाई दे रही है और ये लास्ट मैच चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखेंगे इस लास्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस रहती है टीम स्लेयर्स की, बिल्कुल फिर से डाउन किया गया है और बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं भाई बचा नहीं पाए अपने प्लेयर को, तीन किल प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, सामने भी हिस्ट्री मेकर्स हैं तो नॉर्मल टीम तो है नहीं कि उनको इतनी आसानी से ख़त्म किया जाए, तो हिस्ट्री मेकर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाती नजर आई है, खुद ही डाउन होने के करीब है और डाउन हो जाएंगे यहाँ पर, जनरल की भी एचपी बहुत कम है भाई, ये भी बंदा ख़त्म होने के करीब ही है, अपने प्लेयर को भी बचा नहीं पाया, मेडिकेट लगाई जा रही है इनकी जानिब से, भागने की कोशिश की जाएगी, क्या बच पाएंगे यहाँ पर तो मुश्किल दिखाई दे रहा है इनका बच पाना यहाँ पर, और अगर गाड़ी तक पहुँच जाते हैं तो स्किल वैसे इनके पास गाड़ी वाली है नहीं है तो बचना तो थोड़ा मुश्किल ही रहेगा इनके लिए। अच्छा ये रिवाइव करने के लिए जा रहे हैं, ओ शॉट भाई साहब, आठ किल के साथ टीम स्लेयर भाई ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं ये लोग, तो अब बनता है भाई, बनता है लास्ट मैच है और इनका बनता भी है यहाँ पर इतना खेलना, कार्टून नेटवर्क भी आ चुकी है, कार्टून नेटवर्क की फाइट हो सकती है, ओहो भाई खाने नहीं दिया, इनफेमस ईस्पोर्ट यहाँ पर अटैक कर रही है, पांच किल कर चुकी है और मेरा ख्याल है कि इनफेमस को निकल कर अब आगे जाना पड़ेगा और फाइट लेनी पड़ेगी क्योंकि इनफेमस यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं उनको किल्स की जरूरत है, ज़ेनॉन आ चुकी है, ज़ेनॉन आ चुकी है जिनके पास दो बुइया हैं पिछले दो मैचेस की, थर्ड मैच की बुइया आई तो हैट्रिक होती हुई नजर आ सकती है, और आप लोगों में से कार्टून नेटवर्क कहा जा रहे हैं कि वो चैंपियन बन सकती है, बर्लिन कह रहे हैं स्लेयर या इनफेमस बन सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो टीम हमारे साथ ज़ेनॉन भी बन सकती है, दो बुइया निकाली है भाई ज़ेनॉन ने, बड़ी खतरनाक बुइया निकाली है और बड़े टाइम पे निकाली है, और अगर उनका ये मैच और अच्छा गया, ये वाला लास्ट मैच अच्छा गया तो भाई कह सकते हैं कि ये टीम यहाँ पर तीन बुइया फाइनल के छः मैचेस में से तीन बुइया जो टीम निकाल जाए मुश्किल नहीं है ये कहना कि वो फाइनल की विनर बन सकती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें और साथ में लाइक भी करते रहें, हमारे लाइक कितने हो चुके हैं ज़रूर चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर, सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, 61 लाइक्स हो चुके हैं तो पहले जल्दी जल्दी 70 लाइक तो कंप्लीट करें फिर 100 लाइक्स की तरफ भी बढ़ेंगे, 100 लाइक्स की तरफ भी बढ़ेंगे, 70 लाइक्स गाइस जल्दी से कंप्लीट करें, 16 लाइक में गाइस यहाँ पर आर सी एक किल के साथ मौजूद है,
ओके गाइस यहां पर स्लेयर की फाइट चल रही है, स्लेयर वर्सेस ओके रॉयल फोर्स को भी यहां पर एलिमिनेट कर दिया गया। 11 किल भाई, क्या लास्ट मैच चल रहा है यहां पर स्लेयर का। ये मैच इनका भी अच्छा गया तो मजेदार सीन हो जाएगा यहां पर, फिर तो भाई बहुत क्लोज पॉइंट्स रहने वाले हैं। 11 किल क्योंकि जिस मैच में बुया निकाल दी थी उसमें भी इनके 14 किल थे, और फिर एक मैच में सेकंड पोजीशन भी हासिल की थी। उसके बाद एक मैच इनका ज़रूर ख़राब जाता हुआ नज़र आया था, लेकिन उसके बाद एक मैच इन्होंने सर्वाइव भी काफ़ी अच्छा कर लिया था, उस मैच में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन बनाने में कामयाब हो गए थे। अब ये लास्ट मैच की बुया आती है तो इनकी भी दो बुया हो जाएंगी, उसके साथ साथ अच्छे मैचेस भी रहे हैं यहाँ पर इनके स्लेयर्स के, तो मानना पड़ेगा कि ये टीम यहाँ पर अच्छा कमबैक कर सकती है। टावर मौजूद है और हेडशॉट दे दिया भाई, बचाएंगे क्या? बचाएंगे, बिल्कुल एक प्लेयर को डाउन किया हुआ है और अब इनके पास चांस है आगे बढ़ने का चांस है। राजा जी भी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, कवर भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ में आगे अटैक किया जा रहा है। इनफेमस के दो बंदे यहाँ पर मौजूद हैं और हेडशॉट फिर से आया है, फिर से हेडशॉट गया है भाई यहाँ पर और फिर से यहाँ पर हील करने की कोशिश की जाएगी। और ये सही जगह पे पहुंचे हैं, जैसे यहाँ पर कवर आ रहा है ब्रो, ग्लू लगा लो कहाँ से मारा है भाई, कार्टून नेटवर्क से मारा है यहाँ पर। और थोड़ा सा यहाँ पर 360 व्यू ले लेते हैं ताकि हमें अंदाजा रहे कि यहाँ पर स्लेयर असल में इन फेमस की दो बंदों को खत्म करने के चक्कर में आई थी और अब खुद खत्म होती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा नुकसान होगा इनको, बहुत बड़ा नुकसान होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोशिश तो की जा रही थी लेकिन कवर जो पीछे से आ रहा था वो बहुत ज़बरदस्त था यहाँ पर। और फिर से नेट किए जा रहे हैं, दोनों प्लेयर्स ऊपर मौजूद हैं, इन फेमस यहाँ पर नहीं अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार, और ये दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल गए यहाँ पर। अब देखना पड़ेगा, इनके पास ग्लूवल्स हैं तो यहाँ पर रिवाइव कर सकते हैं स्लेयर्स के प्लेयर। इन कार्टून नेटवर्क जो पीछे से कवर दे रही है बहुत खतरनाक कवर आ रहा है। ये नेड आया है फिर से लेकिन नहीं, कुछ खास फायदा नहीं होगा। टोकन्स उठा लिए गए हैं, फिर से ग्लूवल लगी लेकिन भाई वहीं पे सब मर रहे हैं यार, सभी वहीं पे मर रहे हैं। हुजी यहाँ पर मौजूद है, एक प्लेयर को डाउन किया गया है यहाँ पर और पीछे फिर हट चुके हैं लेकिन बहुत बड़ा नुकसान। स्लेयर्स के पास चांस था इस मैच को खूबसूरत बनाने का और गेम चेंज करने का, लेकिन इन दो बंदों के चक्रों में उन्होंने अपने पूरे बंदे यहाँ पर जो खत्म करा लिए हैं। आरएफ का भी कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ पर जीत सकती है, तो देखते हैं आरएफ की तरफ से क्या सीन रहता है। फिर से नेट किया गया है, हिटमैन फिर से डाउन है ओ फाइनली हुजी की जानिब से दोनों बंदे खत्म कर दिए गए हैं। हुजी को अब हील खत्म करना पड़ेगा, किल पूरे कर रहे हैं, आई थिंक सो किल पूरे कर रहे हैं हुजी। और लास्ट प्लेयर हैं गाइस यहाँ पर स्लेयर्स के, 13 किल हैं यहाँ पर और आ चुके हैं करीब। ओके यहाँ पे ही आके मरे हैं सब भाई, सब मरे हैं यहाँ पर स्लेयर्स के प्लेयर। पता नहीं यहाँ पे क्या रखा हुआ था, ना तो रिवाइव कर रहे थे ना ही यहाँ पर कुछ कर पा रहे थे, और ये लास्ट प्लेयर भी वहीं पे मरे हैं आकर। और इन फेमस के दो प्लेयर्स को तो जाते जाते ले गए फाइनली गाइस, मुझे नहीं लगा था कि वो खत्म कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्हीं के चक्करों में अपने तीन प्लेयर्स खो बैठे थे। ज़िनोन फाइनली गाइस आ चुकी है बाहर और ज़िनोन के पास अब मौका है अपना हैट्रिक करने का भी और इस लीग को, इस फाइनल को विन करने का। तो देखते हैं क्या सीन रहता है, आज से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। कार्टून नेटवर्क यहाँ पर 3 किल के साथ है, इन फेमस की बात करेंगे 5 किल के साथ है। मोइज और गुज्जर यहाँ पर रह चुके हैं और देखते हैं इन फेमस की तरफ से ये गेम कैसी रहने वाली है। फेमस ई स्पोर्ट यहाँ पर बैक साइड पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, मोइज और इनके साथ दे रहे हैं गुज्जर यहाँ पर, और गुज्जर के 4 किल दिखाई देंगे इन फेमस की जाने से। ज़िनोन के प्लेयर आगे आ चुके हैं, ज़िनोन के प्लेयर आ चुके हैं, कार्टून नेटवर्क के पास बहुत बड़ा चांस है क्योंकि ये टीमें आपस में फाइट लेगी तो कार्टून नेटवर्क बुया निकाल सकती है। आरसी के भाई सारे बंदे मौजूद हैं यहाँ पर, आरसी के सारे बंदे मौजूद हैं, जो नीचे जा रहे हैं उसको सीधा हेड पड़ रहा है। ओके लेकिन बहुत अच्छी यहाँ पर ग्लूवल का इस्तेमाल, बैक साइड से डैमेज आ रहा है, एक और प्लेयर डाउन हो चुके हैं, आरसी के एक और प्लेयर डाउन हो चुके हैं, लास्ट प्लेयर बचे और वो भी खत्म हो चुके हैं। इन फेमस 7 किल के साथ रेंजर्स क्लीन एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ पर, ये भी नीचे आते हुए नजर आएंगे और ये नीचे आते ही खत्म होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल इन फेमस भी एलिमिनेट हो चुकी है, ज़िनोन के पास 4 किल है और यहाँ पर सामने मौजूद है कार्टून नेटवर्क 4 प्लेयर्स के साथ, मेन एडवांटेज है ज़िनोन ईस्पोर्ट के पास, लेकिन डाउन कर दिया गया है कार्टून नेटवर्क के। किंग बहुत खतरनाक खेल रहे हैं लेकिन उनको भी डाउन कर दिया गया, एक ही प्लेयर बचे हैं यहाँ पर कार्टून नेटवर्क के। और यहाँ पर टीम ज़िनोन ईस्पोर्ट की हैट्रिक आती हुई नजर आएगी हमें आज के लास्ट मैच में, क्या ही जबरदस्त गेम प्ले। 3 मैचेस में नहीं चल पाई लेकिन अगले 3 मैचेस में 3 बुया निकाल कर ये टीम हो चुकी है दावेदार इस फाइनल को विन करने की। लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पॉइंट्स में आ सकता है डिफरेंस, और लेकिन इन 3 बुया ने बता दिया है कि ज़िनोन ईस्पोर्ट कम बैक करना जानती है। 3 मैचेस में ना भी चल सकी तो क्या हुआ, अकेले 3 मैचेस में 3 बुया निकाल कर ज़िनोन ईस्पोर्ट ने क्या जबरदस्त फिनिशिंग की है इस फाइनल की, और $50 जो है अपने नाम करती हुई भी दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, होपफुली गाइस ये रिजल्ट्स आप लोगों को एचओपी के जो है कारवां के
पेजेस पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर इंस्टा पे भी आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर आप लोगों को इनके रिजल्ट्स देखने को जरूर मिल जाएंगे। और इस कम्युनिटी टैब पे भी शायद इस चैनल की कम्युनिटी टैब पे भी शेयर कर दिए जाएँ, अगर ओपन हो चुकी है कम्युनिटी टैब तो यहाँ पर आप लोग इंस्टा पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा चोबी कारवा को, और वहाँ पर रिजल्ट्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक लग रहा है कि जिनोन और स्लेयर्स और इन फेमस सॉरी बोल रहा हूँ कार्टून नेटवर्क, ये तीन टीमों के दरमियान फाइनल विन करने की जंग जरूर होगी। 7 किल के साथ 19 पॉइंट के साथ हैं, पीछे ही हैं, थोड़ा सा ही पीछे हैं कार्टून नेटवर्क भी 5 पॉइंट्स और 14 पॉइंट के साथ, 7 किल और 15 पॉइंट के साथ ही थोड़ा सा पीछे हैं इन फेमस भी, यहाँ पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन भूया का जो एक हैट्रिक है वो जिनोन ने जरूर निकाल दिया। और रिवेंजर्स की बात करते हैं तो रिवेंजर्स की 8 पॉइंट के साथ, लेकिन गाइस स्लेयर्स देखें, स्लेयर्स देखें पाँचवें पे भी आई है तो भी पॉइंट्स बुया करने वाली टीम के बराबर हैं, तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम कह नहीं सकते कि जिनोन की तीन बुया हैं तो भैया यही चैंपियन है, ऐसा नहीं है, आ सकता है डिफरेंस आ सकता है। और उसके बाद रॉयल फोर्स 8 पॉइंट के साथ, हिस्ट्री मेकर्स 5.5, जेंटलमैन 8 पॉइंट के साथ, रॉयल गार्डियन 4 पॉइंट, अनटचेबल स्पोर्ट 1 पॉइंट्स, और एचओबी नोटिस 0 पॉइंट के साथ दिखाई दे रही है। तो होपफुली गाइस आप लोगों ने मैचेस को इन्जॉय किया होगा, काफ़ी मज़ेदार मैचेस रहे हैं, और इसी तरह के मैचेस को इन्जॉय करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसके जो आने वाले ग्रुप स्टेजेस के मैचेस हैं वो आप ज़रूर देख सकें, और उसमें $300 का प्राइस पूल रहने वाला है, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और लाइक बटन दबा दीजिएगा। अभी गाइस रिजल्ट्स यहाँ पर लाइव पे शो नहीं करने किए जाने वाले, इसलिए हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत सारा वाला ख्याल रखना है, और मुझे भी दुआ में याद रखना है, ताकि हम ऐसे मैचेस लेकर आते रहें और आप ऐसे मैचेस इंजॉय करते रहें। काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो एक इनकी जानिब से अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, तो होपफुली गाइस आप लोग इंजॉय करें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ गाइस। तुम्हारे कंधों पे Take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are.